A very good morning to our Honorable Vice Chancellor Sir, our distinguished speaker, Dr. Anil Kumar Sir, and Rohit Sharma Sir. All the dignitaries, head of department and faculty of the university, postgraduate, undergraduate scholars. I request all the dignitaries to please come forward to light the lamp before Bhagwan Dhanvantri. तो देख रहा है भाई जो डिटेल ऐसे कैसे दूसरे लैपटॉप में चला के देख सुरासुरवंदित पाद पद्मं लोके जरा रुक भय मृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां च व्योम वातावनिवारि वहनं पंच प्रपंचात्मक देहभाजं संताप संपात जरा ज्वरांतकं नमामि धन्वंतरमादिदेवं नवीन नीलं उदकांतिकांतं शांतं हरिद्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वंतरमादिदेवं नमामि धन्वंतरमादिदेवं I welcome you all on day 4 of this enlightening workshop on how to write and publish a scientific research paper organized by Center for Human Resource and Development. It is my pleasure to extend a warm welcome to our esteemed speaker, Dr. Rohit Sharma Sir. We are incredibly fortunate to have you as an expert in the field who are here to share the knowledge and experience and insights to inspire and guide us in our writing endeavors. Please join me in giving a warm and enthusiastic welcome to our distinguished speaker.
प्रोग्राम जल्दी ही शुरू होगा, थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू आ रहा है लेक्चर प्रेजेंटेशन में, जल्दी एक्टिवेट होगा। सुबह शाम को भी रात को करीब 10:30-11 बजे थोड़ा सा वैक्सीन का डोज दिया था मैंने, मैंने क्या दिया था मतलब वीसी सर के निर्देश थे माननीय कुलपति महोदय के, और सुबह तो वैक्सीन लगनी ही थी, 8 बजे का टाइम निर्धारित था। तो मुझे लगता है आप में से काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, क्योंकि पूरी रिपोर्ट जो है अभी कंपटीशन जो भी हुआ वो सारी रिपोर्ट माननीय विषय के पास जा चुकी है। और दिस वाज द फर्स्ट वैक्सीनेशन, इसके 5 डोजेस हैं एक्चुअली। हाँ, वो नेक्स्ट डोज कब होगा आपको टाइमली अनाउंस कर दिया जाएगा। जितने लेक्चर, ताकि लेक्चर को कोई उसके कोई मैनिफेस्टेशंस नहीं हो लेक्चर के, इसलिए वैक्सीनेशन साथ के साथ में जो अकॉर्डिंग जो उसका जो पीरियड है जो भी उसका उसके हिसाब से डिसाइड करके माननीय कुलपति महोदय से चर्चा करके हम दे देंगे। सभी लोगों के प्रेजेंटेशंस, रिसर्च आर्टिकल्स भी मुझे लगता है काफी, कितने लोगों ने कर दिए हैं, यहाँ जितने बैठे हैं कितने लोगों ने नहीं किए हैं, कितने लोगों ने नहीं किए हैं, क्योंकि किए होंगे तो वो सारे ही होंगे। चलो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं व्यवस्था में हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी प्रेजेंटेशंस दे दिए हैं उन सबके प्रेजेंटेशंस पे वर्कआउट होगा, प्रयास करें अगर आज भी अगर अपन तैयार करके अपलोड कर सकते हैं, सर से रिक्वेस्ट करेंगे। कल शाम को वीसी सर यहाँ मौजूद थे, उन्होंने खुद ही कहा था कि आज शाम को 5 बजे तक ये डेडलाइन दी हुई है सबमिट करने के लिए, तो हम सब निश्चित रूप से माननीय कुलपति मोदी के निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में ही कार्य करते हैं। ये जो भी गतिविधियां आयोजित हो रही हैं ये सब माननीय कुलपति महोदय का विजन है, इसलिए और ये निश्चित रूप से वो उनके स्वार्थ के लिए नहीं है, ये विश्वविद्यालय के हित के लिए है, ये हम सभी के हित के लिए ही ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इसका हमें ये लाभ सिर्फ क्षणिक लाभ नहीं है, ये केवल मात्र हमारा भी लाभ नहीं है, ये हमारी आने वाली जनरेशन का लाभ है, क्योंकि आयुर्वेद का चेहरा है और आगे जो जनरेशन आएगी उनको मार्गदर्शन देने वाले हैं। ठीक है ना, हम लोग तो 5-10 साल बाद में फ्री हो जाएंगे, तो आप लोग तैयार होंगे, आप में से कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ लर्निंग फेज में हैं, कुछ पूरी प्रयास कर रहे हैं, तो जो भी आप लोगों ने फ्लरिश करेंगे, ब्लूम करेंगे, वो सभी के सभी आने वाली जनरेशन को कुछ दे करके, अच्छा दे करके जाने की स्थिति में होंगे। तो इसी सोच को लेकर के माननीय कुलपति महोदय ये इस प्रकार के जितने भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, चाहे शोध मीमांसा हो चाहे मर्मज्ञ, आपने देखा होगा वो स्वयं ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट इज आउट स्टेशन टूडे बट ही इज इन स्टेशन बाय हार्ट, तो इसलिए वो कभी भी आउट स्टेशन नहीं है इन अस, और हो सकता है अभी भी प्रोग्राम में वो जुड़े रहेंगे। तो निश्चित रूप से हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना है, उनके विजन्स को हमको पूरा करना है। जैसा कि मैंने कहा उनके विजन सिर्फ उनके नहीं है, वो इस विश्वविद्यालय के लिए है। आपने देखा होगा 1 साल उनको 4 तारीख को पूरे आने वाले हैं, और शायद ही आपने देखा होगा कभी उनको रेस्टिंग फेज में, ही इज नेवर देयर इन द रेस्टिंग फेज, ही इज ऑलवेज इन द एक्शन। सो हम वो उन्होंने आते ही कहा था मैं 120 की स्पीड पे चलूंगा, तो हम कम से कम 80 की स्पीड तो मैनेज करें, ये हमारा प्रयास रहे। तो निश्चित रूप से हम लोग पॉजिटिवली उनका साथ कोऑपरेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेक्चर इज अबाउट टू स्टार्ट, प्लीज बी अलर्ट, क्योंकि इस पे भी टेस्ट है, तो ये टेस्ट के लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर होकर के इस लेक्चर को सुने। थैंक यू वेरी मच, आई वेलकम वंस अगेन डॉक्टर राजेश शर्मा जी, यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सो very good morning to all. My next topic is ethical considerations and editorial process. In this presentation I will be discussing about what is ethics, what are the ethical regulations which are involved during the publication process, what is plagiarism, and what are
predatory and bogus journal aspects, and all these we will overview in this presentation. So ethics, this word is derived from a Greek word, ethos, which means character. So ethic refers to where a particular practice is right or wrong. जो हम कर रहे हैं सही है या गलत है, ये जो चीज बताती है वो एथिक्स है. एथिक्स से हम उसको डिनोट करते हैं. एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन पब्लिकेशंस, इट इज टू एंश्योर हाई क्वालिटी साइंटिफिक पब्लिकेशंस, पब्लिक ट्रस्ट इन साइंटिफिक फाइंडिंग्स, एंड दैट द पीपल रिसीव क्रेडिट फॉर देयर आइडियाज. सो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस एथिकल प्रैक्टिस इन पब्लिकेशन. बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो इन्वॉल्व होती है पॉलिसी मेकिंग में या बहुत सारी एडवाइसेस देने में रिगार्डिंग द पब्लिकेशन प्रोसेस. सो दीज आर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कोप, वेमे करके इसको प्रोनाउंस करते हैं, WME, वेमे, ICMJE, CSE, EASE. तो द मोस्ट पॉपुलर वन हैपेंस टू बी दिस कोप. कोप के बारे में आप वेबसाइट में कई बार पढ़ेंगे. तो ये बहुत ज्यादा रेगुलेशंस में इसका हाथ रहता है, बहुत सारे एडवाइसेस में और पॉलिसी मेकिंग में. तो इनके अपने कुछ कुछ रोल हैं. ये एडवाइस देते हैं या जर्नल्स को या ऑथर्स को. तो जर्नल्स के लिए भी स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइंस इन्होंने क्रिएट करी हैं, कुछ एडवाइसेस क्रिएट करी हैं जिसको फॉलो करना चाहिए, और ऑथर्स के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं उसको ये बताते हैं. जैसे मैं गाइडलाइंस में अभी बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट कोप गाइडलाइन है, प्रोवाइड एडवाइस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स, प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज फॉर गुड पब्लिकेशन. तो सिमिलर ही प्रैक्टिसेस हैं सबकी. यही कोप के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, फैमे के भी यही हैं. इसी तरीके से ICMJE भी बहुत कोप जो मैं सेकंड पॉपुलरिटी में रखूंगा वो ICMJE जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी इंपॉर्टेंस है. उसके बाद CSE है, काउंसिल फॉर साइंस एडिटर्स, ईज करके है, यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ साइंस एडिटर्स. ओके, तो ये एक समराइज्ड एक स्नैपशॉट है इसका. कोप, पॉलिसी फॉर जर्नल्स एंड पॉलिसी फॉर ऑथर्स. तो ये दो तरीके से पॉलिसीज को निर्धारित करते हैं. जैसे कोप, रोल ऑफ एडिटर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एडिटोरियल प्रोसेस को एक चीफ एडिटर या एसोसिएट एडिटर या मैनेजिंग एडिटर किस तरीके से फॉलो करे, ये सारा का सारा जो दिशा निर्देश है या जो भी इंस्ट्रक्शन है प्रोवाइड कराता है कोप. रोल ऑफ रिव्यूअर कैसा रहना चाहिए, क्या बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो सकते हैं अगर रिव्यूअर, मतलब किन किन चीजों का कॉन्फ्लिक्ट्स का ध्यान देना चाहिए एक रिव्यूअर को, पीयर रिव्यू प्रोसेस कैसे चलना चाहिए, एडवर्टाइजिंग और मीडिया रिलेशंस. तो ये सब चीजें मे बी हाईलाइटिंग द वर्क द पब्लिकेशंस इन द प्लेटफॉर्म लाइक एक्स, ट्विटर पे अगर कुछ वो शेयर करते हैं जर्नल्स या कुछ भी. तो बहुत सारे ऐसे जो गाइडलाइंस हैं, एडवाइसेस हैं, वो रिलीज करते हैं कोप. उसी तरीके से लिमिटेड रोल रहता है CSE का, ये सिर्फ रोल ऑफ एडिटर, रोल ऑफ सीमित है. पीयर रिव्यू और एडवर्टाइजिंग और इन सब पे बहुत सारा इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. उसके बाद ICMJE जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम मानते हैं, नॉट सेकंड, ये समवेयर इट इज इक्विवेलेंट टू कोप जो इसकी इंपॉर्टेंस है. उसके बाद वेमे है. तो इस तरीके से रोल ऑफ एडिटर, रोल ऑफ रिव्यूअर, पीयर रिव्यू प्रोसेस, तो इन सब चीजों में जो भी गाइडलाइंस दी जाती हैं वो इन अथॉरिटीज के द्वारा दी जाती हैं. वैसे ही ऑथर्स रिडंडेंट पब्लिकेशंस, जैसे मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया भावना पे, भावना प्रोसेस पे, और मैं ही थोड़े दिनों बाद उसी आर्टिकल को तोड़ मरोड़ के फिर दोबारा पब्लिश कर लेता हूँ कहीं और. तो इट्स काइंड ऑफ रिडंडेंट पब्लिकेशन. तो इट इज अ बैड प्रैक्टिस, इट शुड नॉट बी फॉलोड. उसके बाद प्लेजरिज्म, आगे हम देखेंगे फैब्रिकेशन क्या होता है, अनएथिकल क्या होता है. तो इन सब चीजों को जो इस पे जो एडवाइस देने वाली अथॉरिटीज हैं वो है कोप, CSE, ICMJE, वेमे. तो ये जो मेजर हमारी अथॉरिटीज हैं उनके नाम है. एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्कोप, व्हाट इज वेमे, ICMJE. तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इट टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, इट सपोर्ट वैल्यूज रिक्वायर्ड फॉर कोलैबोरेटिव वर्क. तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट या फेयरनेस होनी चाहिए किसी भी काम में. इफ यू आर वर्किंग इन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और इफ यू आर डूइंग सम मल्टी सेंट्रिक ट्रायल, तो उन चीजों को एक क्या बोलते हैं, आपसी चीजें कंसेंसस बनी रहे, आपसी एक तरीके से कोई मतभेद अराइज ना हो बाद में जाके. तो इन सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगर हम एथिक्स को फॉलो करें. इट रिप्रेजेंट्स दैट रिसर्चर्स कैन बी हेल्ड
इंटरेक्शंस, अगर किसी को मास्टर साहब नहीं होंगे क्लास में तो बच्चे तो शोर मचाएंगे, अगर एक सीआर खड़ा कर दिया जाएगा तो अकाउंटेबल बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर एक फोर्स है कि आप बच्चों को चुप कराओ या जो भी है। तो अकाउंटेबिलिटी को देने का एक बहुत बड़ा काम है। अगर एथिकल गाइडलाइन ना होती तो फिर कोई भी कुछ भी करता। टू इंश्योर दैट पब्लिक कैन ट्रस्ट रिसर्च, टू सपोर्ट इंपॉर्टेंट सोशल एंड मॉरल वैल्यूज, टू इंश्योर साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड प्रमोट एथिकल बिहेवियर। सो ये क्या इंपॉर्टेंस है एथिक्स, वी ऑल नो। ओके, तो पब्लिकेशन के दौरान बहुत सारी जो एथिकल रिलेटेड इश्यू बारे में भी हमें समझना है, जो ऑथरशिप के बारे में भी हमने देखा था कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज, किसको हम ऑथर कह सकते हैं, हमने प्रीवियस पीपीटी में डिस्कस किया था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, पब्लिकेशन मिसकंडक्ट, प्लेजरिज्म, रिसर्च फ्रॉड, फैब्रिकेशन, फल्सिफिकेशन, सलामी स्लाइसिंग, मैंने कल शायद नाम लिया था कुछ, स्लाइसिंग करके कुछ मैंने कहा था, ठीक है। तो इन सब चीजों पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। ऑथरशिप के बारे में कि बहुत सिग्निफिकेंट सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन अगर है तो ही उसको ऑथर बना सकते हैं। जैसे if someone has given an idea, उस आइडिया के बेस पे आप काम कर रहे हैं, और उसके बाद प्लानिंग ऑफ वर्क, उसके बाद सुपरविजन एडवाइजेस, और उसके बाद राइटिंग द ओरिजिनल ड्राफ्ट, डेटा एक्विजिशन, अगर डेटा कलेक्शन, और उसके बाद डेटा एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन लैब में जो पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट जिसने रन किए हैं, और उसके बाद जिसने एडिटिंग प्रूफ रीडिंग में एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन किया है, तो ये सारे के सारे ऑथरशिप के क्राइटेरिया हैं जिसको हम ध्यान में रखेंगे। बट वो नहीं, जैसे बताया था कि बहुत मिनिमल असिस्टेंस किसी ने दी है तो वो एक कोई क्राइटेरिया हो नहीं सकता है। अगर लैब असिस्टेंट है और मेरी हेल्प कर दे, आई एम वीक ऑन कंप्यूटर, आई एम नॉट ए टेक सेवी, तो वो थोड़ा सा फिगर बनाने में थोड़ी बहुत हेल्प कर दे, ये वो, सो बेटर आई शुड एक्नॉलेज हिम। मैं एक्नॉलेजमेंट का इतना बड़ा सेक्शन इसीलिए लिया जाता है, उसका नाम मेंशन करो, उसका जो भी है, पर उसको ऑथर आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसको साइंस का पता ही नहीं है, वो तो वही जानता है, कलाकार है वो तो, है ना। तो ये सब चीजें हमें ध्यान देनी है। इन केस ऑफ मल्टी ऑथर पेपर, बहुत ज्यादा अगर ऑथर रहे हैं तो कलेक्टिवली टेक द डिसीजन, एक आदमी है जो सुपरविजन करेगा, वो सबको सबके साथ कम्युनिकेशन करेगा। इन केस मैं एक पार्ट लिखता हूँ, एक सेक्शन लिखता हूँ किसी भी आर्टिकल का, और मेरे सेकंड को ऑथर हैं मे बी माई स्कॉलर डॉक्टर रुचि शर्मा, तो मैं उनको शेयर करूंगा अपनी जो फाइल है, पर उनके साथ भी बाकी कोलैबोरेटर्स हैं, तो वो ताकि देख सके कि कहाँ क्या किस स्टेप में हो रहा है, और ये फिर हमें रिटर्न करेंगे फाइल को, सब कुछ हाईलाइट करके जो उन्होंने एड ऑन किया है, फिर नेक्स्ट जो भी ऑथर होगा फिर उसका रोल शुरू होगा, मतलब दिस इज द प्रोसेस। तो वी शुड इन्वॉल्व ईच एंड एवरी वन, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हाइड हो वहां पे। तो integrity and accuracy of work has to be resolved, final approved version to be published. तो सबने contribute किया, पर एक बार जो final draft हमारा ready हो गया है तो उसको सबको एक बार share किया जाएगा by mail या जो भी आपका platform है, तो उसके बाद जब सबका approval आ जाएगा तभी हम submit करेंगे। नहीं तो कभी कभी होता है, मतलब यहाँ पे हमारे institute में कोई बहुत ज्यादा इतना ध्यान नहीं देता, हाँ ठीक है पेपर चला गया, submission का mail आ गया तो हमें पता लग जाता है कि submit हो गया। बट कभी कभी बहुत मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज तो नहीं कहूंगा, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिंजेंट रहते हैं, वहां जहां पे इस तरीके से एथिकल जो प्रैक्टिसेस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, वहां अगर आपके कोऑथर भी हैं, आपके मित्र भी हैं, तो कई बार वो मेल कर देते हैं एडिटर को, ओके मेरी को कंसेंट नहीं थी, ये कब कम्युनिकेट हो गया मुझे नहीं पता, तो डायरेक्टली पेपर रिजेक्ट होता है। मतलब इट इज नॉट अनकॉमन, ये होता ही है, बहुत है कि मेल आ जाते हैं अचानक, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन सॉर्ट की जाती है, फिर सारे ऑथर्स की सिग्नेचर के साथ एक वो अपनी अंडरटेकिंग देते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से चीजें हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस बाद में अराइज। ईच ऑथर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हिच कोऑथर्स आर रिस्पांसिबल फॉर व्हिच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ वर्क। सबको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर शख्स ने ये काम किया है इस पेपर में, है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं मतलब सब कुछ मैं ही कर दे रहा हूँ और मैं झूठ मूठ उसको कह दूं, नहीं नहीं सर उसमें ये पार्ट इसने लिखा था, ये पार्ट इसने लिखा था, तो कुछ भी ऐसा हाइड नहीं होना चाहिए वहां पे। तो ठीक है, बहुत सारे घोस्ट ऑथरशिप दे दी जाती है, तो ये सब प्रैक्टिसेस भी नहीं होनी चाहिए कि चल आज मैंने तेरा नाम डाल दिया, तू कल को अपने पेपर में मेरा नाम डाल देना, तो ये इस टाइप की प्रैक्टिस पे नहीं जाना है, ये बहुत खराब चीज है ना, और बहुत ज्यादा अननेसेसरली ऑथर्स पे भी नहीं कि जस्ट टू मेक देम हैप्पी,
तो उस तरीके से नहीं करना है कि बाद में जाके काम पड़ेगा तो फिर ठीक है उनको भी गोथर हम बना देते हैं. हु आर नॉट एंटाइटल्ड एज ऑथर और को ऑथर दोज हु हैव प्रोवाइडेड ऑनली असिस्टेंस इन राइटिंग टेक्निकल एडिटिंग लैंग्वेज एडिटिंग प्रूफ रीडिंग हु हैव मेरे पास प्लेजरिज्म चेक का सॉफ्टवेयर नहीं था, मैंने अपने दोस्त से प्लेजरिज्म चेक करा लिया तो ठीक है उसका रोल है, पर ही जस्ट असिस्टेड मी, तो उसका ऐसा नहीं है कि वो इन्वॉल्व था हमारे रिसर्च में. तो ये सब चीजें जनरल सुपरविजन ऑफ रिसर्च ग्रुप, जनरल सुपरविजन. सो इट कुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन. मैं ये नहीं कह रहा कि सुपरवाइजर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सुपरवाइजर ऑथर नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ पे. तो कहीं ना कहीं जो आपके इन जनरल सुपरविजन में इन्वॉल्व लोग हैं जिनका डायरेक्टली उस रिसर्च से बहुत ज्यादा संबंध ना हो, उसको पता ही नहीं किया क्या है इन्होंने तो कैसे किया है, तो वो एक क्राइटेरिया नहीं है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट. ये अनएथिकल ऑथरशिप जो मैं कह रहा था कि हाँ चल इस बार मेरी बारी कल को तेरी बारी है ना, तो ये नहीं होना चाहिए. Just to raise your publication count and citations. कुछ कुछ शब्द हैं हमें पता होना चाहिए. गेस्ट ऑथरशिप क्या होता, हम कई बार ऐसे किसी बड़े आदमी को ऐड कर लें कि चांसेस हो जाए हमारा पेपर एक्सेप्ट हो जाए. जैसे मान लीजिए कोई बड़े जर्नल का एडिटर कि भाई साहब आपको हम एडिटर आपको हम कोथर बना देते हैं, ठीक है आप सबमिट कर लीजिए जैसे भी है, हो सकता है पीयर रिव्यू में चला जाए. मतलब इस टाइप की जो है कि जस्ट टू रेज द चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस. उसके बाद एनररी या गिफ्ट ऑथरशिप नहीं होनी चाहिए, गोस्ट ऑथरशिप नहीं होनी चाहिए, है ना, अनोनिमस ऑथरशिप. तो हम कई बार पूरा का पूरा काम ही किसी से करवा रहे हैं, मतलब एक तरीके से उसको हायर करके, है ना, पैसा देके और सब कुछ उससे करवा के फिर हम ऑथर बन जा रहे हैं या उसको बना दे रहे हैं. मतलब ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं ये अनएथिकल ऑथरशिप के उसमें आती हैं. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे भी हो सकते हैं, लाइक मॉनिटरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. जैसे मैं एक बहुत रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक हूं और मैंने अपनी कंपनी में प्रोडक्ट बनाया च्यवनप्राश, राइट. मैं उस च्यवनप्राश की रिसर्च कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं और मैं उसको अपने ही जर्नल में पब्लिश करा दूं, ठीक है. सो हाउ फार इट इज गुड, मतलब तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, मॉनिटरी भी रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई हमें स्पॉन्सर कर रहा है, कोई हमें कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट देता है तो हमने इसलिए उसको बना दिया, या मे बी उससे हम किसी से हम पैसा ले रहे हैं और उसको हम ऑथर बना दे रहे हैं. तो ये सब चीजें अराइज नहीं होनी चाहिए. इवन रिव्यूअर के एंड पे भी ऐसा होता है कि रिव्यूअर तो मेरा स्टूडेंट ही है जो यूएसए में बैठा है, है ना, तो आपके साथ लिंक्ड है, वो ऑथर को जानता है, या मे बी ऑथर के साथ किसी न किसी कोलैबोरेशन में कहीं ना कहीं उसका नाम गूगल पे दिख गया साथ में कैसे भी, जैसे कोई चैप्टर लिखा किसी ने किसी बुक के लिए. तो ये सब चीजें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आती हैं. पर हाँ, कुछ कुछ जर्नल्स अलाउ कर देते हैं, जैसे वो कहते हैं कि ओके इस पर्सन के, जैसे मैं अगर फ्रंटियर्स में इन फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी अगर मेरे पास कोई पेपर रिव्यू करने के लिए आता है तो उसमें जो पहला पेज खुलता है जब मैं उसको एक्सेप्टेंस के लिए जाऊंगा कि मैं एक्सेप्ट करूं रिव्यू करना कि नहीं करूं, तो वहां पूछा जाएगा मेरे से दो तीन पॉइंट्स कि आप जानते हैं इनको, ऑथर्स के नाम ये हैं, आपके साथ क्या प्रीवियस 5 ईयर में कोई इसने काम किया है कि नहीं किया है. तो हो सकता है 7 साल पहले किया हो, तो मैं बोलूंगा नहीं पिछले 5 साल में नहीं किया, तो आई कैन रिव्यू दैट पेपर. यानी कि पिछले 5 साल में मेरे लिंक नहीं है, किसी भी टाइप की कोलैबोरेशन नहीं है, है ना. तो जैसे मान लो ऐसा हो कि मैंने कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, आई एम द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, और मैंने उसको कभी 2 महीना पहले ही गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया था और मैं बोल दूं कि नहीं नहीं अरे मैं तो जानता ही नहीं, तो एक तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट है ना सारे के सारे. तो ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट मे बी एडिटर एंड में नहीं होना चाहिए. वो एडिटर जो है चीफ एडिटर, मैं डायरेक्टर हूँ इंस्टीट्यूट का, वो मेरे अंडर प्रोफेसर है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं मेरी बात तो मानेगा ना. तो ऐसे कुछ चीजें नहीं रहनी चाहिए. पब्लिकेशन मीन्स कंडक्ट. द ट्रुथ ऑफ द मैटर इज दैट यू ऑलवेज नो द राइट थिंग टू डू, द हार्ड पार्ट इज डूइंग इट. हमें सब पता है ये सब चीजें, एथिक्स क्या है, तो हमें पता होने के बावजूद हम कभी कभी ओवरलुक कर देते हैं कि क्या होगा तो अगर हमने कर लिया तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए. सो व्हाई दिस अकर्स, एकेडमिक प्रेशर होता है, करियर प्रेशर है, पब्लिकेशन प्रेशर है, कई बार मैंडेट कर दिया जाता है ना. तो मैंडेट करने के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं प्रेशराइज करके, कि मैंडेट नहीं करेंगे तो हमें तो पता ही नहीं है उस चीज की वैल्यू, तो तब पता करेंगे चलेगी ना कि जब कभी फोर्स करके ही हमें पता लगेगा कि नहीं. बच्चे को तो पता ही नहीं कि राइटिंग की क्या वैल्यू है जब तक हम उस पर चाबुक नहीं चलाएंगे कि हाँ बच्चे लिखो, पब्लिकेशन करो, 2 पेपर आना ही चाहिए एमडी थीसिस में. तो कई बार फोर्स जरूरी होता है, बट बहुत ज्यादा अनड्यू प्रेशर इज ऑल्सो नॉट गुड. पर्सनल डिजायर फॉर फेम और पोजिशन, स्लोपी साइंस,
स्लोपी साइंस, स्लोपी साइंस आप ऐसे समझ सकते हैं, इफ 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 द शॉर्टकट्स आर टेकन टू गेट सम डिजायर्ड रिजल्ट, कुछ हम बहुत चल कोई नहीं ऐसे कर लिया, कुछ शॉर्टकट मार देते हैं और ये एक्सपेरिमेंट वैसे हो जाएगा, हमें रिजल्ट से मतलब है ना, कुछ डेटा चाहिए ना हमें कुछ भी, तो हम दिखा देंगे जो चार महीने में चीज होनी चाहिए वो मैंने कर ली हफ्ते भर में, कौन देख रहा है हमें, तो है ना फाइनल तो हमारा जो डेटा है चार्ट वही देखा जाएगा, तो ये ऐसी चीजें, साइंस इज ऑल्सो नॉट गुड, सोशल गेम, इनएबिलिटी टू डिटरमिन राइट और राइट फ्रॉम रॉन्ग, और कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चरल पे मैं जरा कमेंट नहीं करूंगा यहाँ पे, ओके, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट, इट कुड मीन द एंड ऑफ करियर as a researcher or as an academician. Fabricators may have previously earned academic achievements taken away. कोई भी आपके बहुत ज़्यादा आपको जो आपके cap में feathers से शायद छीन लिए जाएं आपसे. Dismissal from faculty, it happens, really it happens. Rejection of research grants and you could be blacklisted from the journal also. तो ये सब चीज़ें नुकसान होती हैं, नुकसान देती हैं. Methods to prevent academic research misconduct. तो ठीक है, हमें बहुत ज़रा ये बहुत सारे कॉमन चीज़ें हैं, हमें एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना है, आपसी एक कंसेंट पे चलना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, तो ये सब चीज़ें हम ध्यान देंगे. अपना डेटा जो हमने अचीव किया है उसको हम बार बार क्रॉस चेक करेंगे, हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमें थोड़ा सा डाउट भी लग रहा है तो ट्रिप्लीकेट में रिसर्च, ट्रिप्लीकेट में उसका हम एक्सपेरिमेंट दोबारा रन करें, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान देना है टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ अवर रिसर्च. सो type of research misconduct, two level pe hai ye, publication aur research misconduct. Publication mein plagiarism, plagiarism wahi kahin se kuch chura liya humne dal diya without taking any prior permission, to wo plagiarism ke usme aayega, usme kya kya points hain wo next hum dekhenge. Biased or selective reporting ye aap jante hain, authorship abuse ye humne abhi discuss kiya, redundant publication ye hum samajh gaye, ek hi cheez ko do teen bar hum bar bar publish kare ja rahe hain ghuma phira ke. Undeclared conflict of interest, conflict of interest था जो हमने previously discuss किया और हम उसको mention ही नहीं कर रहे हैं अपने paper में कि हाँ conflict of interest है. जैसे okay, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, इमामी के head रहे हैं प्रोफेसर सी के कटियार सर, उनका एक स्पेशल इशू था फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी में, उन्होंने अपने स्पेशल इशू में डायरेक्टली मेंशन किया था एक स्टेटमेंट डाल के, उसके एंड में भी अभी भी फ्रंटियर्स में होगा वो उनका स्पेशल इशू, साथ में शायद पुलक मुखर्जी सर थे, कि the conflict of interest is I am this company Imami and the Imami ne unko fund diya hai frontiers ko kuch cheezon ke liye ki apc wave ho jaye, matlab us samay kya tha ki apc wave ho ja rahi thi sabhi authors ki, to unhone apni company se kuch fund release kara tha just for indian researchers who are working on ayurveda, to unhone mention kiya tha us cheez ka, to ye declaration hamesha hame deni chahiye usi tarike se. Reviewer misconduct ye humne discuss kiya, abuse of position ठीक है, अपनी उस पोजीशन का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना, सलामी स्लाइसिंग ओके. इफ वी हैव कंप्लीटेड अवर रिसर्च, एक बड़ी रिसर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के स्लाइसेस में बांट बांट के हम पब्लिश करते जाएं, वो बड़ा रिसर्च था, एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट था, उसमें हमने छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स किए थे, छोटे छोटे कुछ रन किए थे, हर किसी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट का हम एक एक पब्लिकेशन करते जाएं जस्ट टू रेज द नंबर ऑफ पब्लिकेशन, तो इट इज नॉट गुड, उसके भी नुकसान रहते हैं. अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या अनएथिकल है सर, ये तो हमने हमारा ही तो रिसर्च था, हम उसको टुकड़ों में छापे हैं या एक साथ छाप लें, क्या फर्क पड़ता है, नहीं उससे फर्क पड़ता है, ठीक है, तो हम देखेंगे क्या उससे नुकसान है. रिसर्च मिसकंडक्ट डेटा फैब्रिकेशन होता है, फैब्रिकेशन मीन्स means making up of data, हम खुद ही हमने कोई क्लिनिकल ट्रायल किया नहीं है, हम बस खुद ही डेटा बना दे रहे हैं, ओके हमारा एन इतना था, हमने इतने दो महीना तक दवा दी, इतना हमारा फॉलोअप था, और ये सब हम कमरे में बैठे बैठे ही मेकअप कर रहे हैं सब डेटा, इट्स फैब्रिकेशन. फॉल्सिफिकेशन इज द फॉल्स इंफॉर्मेशन इज गिवन समवेयर, मे बी डेटा मैनिपुलेशन, डेटा आ गया हमारे पास, ठीक डेटा आ गया, हम घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के डेटा को फाइनलाइज करके प्रेजेंट कर दें, मतलब हमें रिजल्ट बहुत प्रॉमिसिंग नहीं मिले, इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट था, हम उसको सिग्निफिकेंट बना दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये मैनिपुलेशन ऑफ डेटा है, अनएथिकल रिसर्च. तो प्लेजरिज्म, लैटिन वर्ड प्लेजियरियस से ये बना है, मीनिंग किडनैपर, किडनैप ही तो करते हैं आप, है ना, यहां वहां से उठाना चीजों को. प्लेजराइज डिक्शनरी में हम देखें इसका मतलब है टू स्टील, चोरी कर लेना. चोरी किस किस लेवल पे होती है, फर्स्ट डेटा,
किसी का डेटा ही उठा के आप चिपका दे रहे हैं अपने मैन्युस्क्रिप्ट में, वर्ड्स को, शब्दों को आप यूज कर ले रहे हैं, फ्रेजेस को आप ले रहे हैं, मे बी आप थोड़ा ले रहे हैं, बट ठीक है, वो है तो एक तरीके से प्लेजरिज्म ही आएगा. इसको एडिटर्स कहते हैं टॉर्चरिंग ऑफ टेक्स्ट, है ना, आपने टॉर्चरिंग ऑफ टेक्स्ट किया, ऐसा करके आपको मेल आ सकता है. आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, तो किसी का आइडिया भी आप चोरी अगर कर ले रहे हैं, बेशक उसका टेक्स्ट अलग था, सब कुछ था, तो आइडियाज का मतलब ये सिर्फ टेक्स्ट के केस में नहीं है, फिगर्स के केस में भी है. उसने बहुत ही एक यूनिक तरीके से कई चीजों को प्रेजेंट किया था, आप सेम तरीके से अपना टेक्स्ट बीच में इंसर्ट करके अपने टॉपिक में उसको फिट करके वो कर दे रहे हैं, पर वो पकड़ में आ जाएगा तो ये प्लेजरिज्म में आ सकता है. तो टाइप्स कैसे रहते हैं, द फोटोकॉपी, पूरा का पूरा आके हम उसको चिपका देंगे अपने पेपर में, पैराग्राफ को, कोई मेहनत नहीं करेंगे यार उसमें, थोड़ा बहुत हम बदल लें, कुछ पैराफ्रेजिंग भी कर लें, नहीं तो वो फोटोकॉपी कहा जाएगा. तो द पॉटलक पेपर, ठीक है, हम पैचेस पैचेस में थोड़ा थोड़ा मटेरियल, थोड़ा यहां से उठा लिया, थोड़ा वहां से उठा लिया, एक ही जगह से सब कुछ नहीं उठाया कि चोरी पकड़ में ना आए कि कहां से क्या हुआ है ना, तो वो पॉटलक पेपर में आएगा. हम वी जस्ट ट्राई टू डिसगाइज प्लेजरिज्म बाय कॉपिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. द पुअर डिसगाइज हम कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा अल्टरिंग करने के लिए हम पैराफ्रेजिंग की भी कोशिश करेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट वाले में हमने एज इट इज ले लिया, दूसरे वाले में भी हमने एज इट इज लिया पर डिफरेंट सोर्सेस से लिया, और यहां पे हमने कुछ कोशिश करी है कि इसको कुछ बदल दिया जाए तीसरे वाले में, द पुअर डिसगाइज. तो यूजीसी ने भी कुछ पेनल्टीज रखी है, ये आप सबके पास है ही है, ये पीडीएफ में मतलब आप पढ़ी चुके होंगे आप, कि 10% से कम होना चाहिए तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं है. अगर प्लेजरिज्म, हर विभाग में कमेटीज रहती है ना, एंटी प्लेजरिज्म कमेटी या एंटी प्लेजरिज्म कमेटी, तो 10-40% तक अगर प्लेजरिज्म मिलता है तो ही और शी विल बी आस्क्ड टू विड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट. अगर सिमिलरिटी है 40-60 के बीच में तो विड्रॉ भी करना पड़ेगा, जो सुपरवाइजर है उसका एक एनुअल इंक्रीमेंट भी कटेगा, है ना, और 2 साल तक वो सुपरवाइजर नहीं बन सकता. तो ये जो ऊपर हायर अथॉरिटीज है उन पर डिपेंड करेगा. लेवल 3 में है, विड्रॉ भी करना पड़ेगा, 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे, और जो सुपरवाइजर है वो 3 साल तक कोई भी मास्टर या पीएचडी स्कॉलर नहीं ले सकते हैं. तो ये कुछ पेनल्टीज हैं, ठीक है. हम ओके, जब यहाँ परसेंटेज की बात है तो मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे, कि जब हम बुक्स पब्लिश करते हैं लिख के, तो उसमें रेंज थोड़ी सी हाई मान ली जाती है. वो सब डिपेंड करेगा आपका पब्लिशर कैसा है. इफ आई एम टारगेटिंग एल्सेवियर, तो एल्सेवियर बहुत सख्त है इस चीज में, उसका रिव्यू प्रोसेस भी बड़ा खराब रहता है. मतलब अगर मैं कुछ बुक पब्लिश करना चाहूंगा एल्सेवियर में, तो उसका बहुत स्ट्रिंजेंट जाएगा, अनोनिमस रिव्यूअर होंगे. कई बार होता है कि बुक एडिटर के भी हाथ में नहीं रहते हैं रिव्यूअर, तो अच्छी बात है. तो वहां पर सिमिलरिटी को रहता है कि जैसे एक मेरी अभी प्रीवियस चली थी, पहले वो फ्लेक्सिबल हो गए थे, ओके 20% तक ओके है, फिर 18% उन्होंने कह दिया, तो मतलब समवेयर 16-18 तक ही आप रखेंगे उस कहानी को उसके केस में. बाकी कई सारे पब्लिशर हैं जो होता है कि पैसा दो इतने दिनों में छप जाएगी, वहां थोड़ा हो सकता है कि 25% तक आपको अलाउ कर दें. आर्टिकल्स में एक थंब रूल आप हमेशा मान के रखिए, रिसर्च आर्टिकल है, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 10 या 10 से कम होना चाहिए रिसर्च आर्टिकल में. हमेशा वो नहीं सोचना है अरे हमारे मित्र का तो गया था उसमें, उसका तो 14% था तो उसका तो रिसर्च वर्क चला गया है ना, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है. वो मिस आउट भी हो सकता है. जैसे इफ आई एम हैंडलिंग अ पेपर इन मे बी फार्माकोलॉजिकल रिसर्च, तो चीफ एडिटर ने अगर मुझे हैंडलिंग एडिटर बनाया है तो वो अपनी तरफ से वो फ्री हो गया. वहां पे मेरे सामने जो वेबसाइट खुलेगी ना उसमें सब चीजें मेंशन होंगी, उसमें होगा 33% सिमिलरिटी, 34, ऐसा भी होता है. मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वो छोटा सा लिखा था लाल लाल में, तो मैंने नीचे ओके पेपर बढ़िया लग रहा है, टाइटल अच्छा है, एब्स्ट्रैक्ट अच्छा है, ऑथर तो बड़े बड़े आदमी है ये, चलो इसको आगे पीयर रिव्यू में चला देते हैं. कई बार मिस हो जाता है, तो हो सकता है कि बड़े जर्नल में अगर वो मिस हो भी गया है तो बाद में पकड़ में आ ही जाएगा आगे प्रोसेस में. तो ये चीजें हैं. तो और रिव्यू आर्टिकल में आप कोशिश करें कि 12% से ऊपर ना हो, रिसर्च में 10 और रिव्यू में 12, तो ये आप थंब रूल हमेशा रखें, ठीक है. दूसरा, हम उसको जैसे कौन कौन से एक जो हमारी यूनिवर्सिटीज में रहते हैं, ओरिजिनल नाम से है, उरकुंड भी कहते थे उसको, तो अब उसके बाद ड्रिल बिट आ चुका है, शायद चेंज हो गया अभी 1-2 महीने से कुछ ऐसा, तो उनसे चेक करके आप आर्टिकल नहीं कम्युनिकेट करेंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्लेजरिज्म चेक सॉफ्टवेयर खराब है, ये नहीं है, थीसिस सबमिशन के लिए ठीक है, पर आर्टिकल कम्युनिकेट अगर आपने करना है तो टर्निटिन ऑथेंटिकेट पे ही जाएंगे,
ठीक है. तो टर्निटिन, हाँ जी हाँ जी ओके. अगर आपने मैन्युस्क्रिप्ट कम्युनिकेशन करना है एक रिसर्च जर्नल में, तो आपको टर्निटिन ऑथेंटिकेट, ये प्लेजरिज्म चेक सॉफ्टवेयर्स हैं, ये पेड वर्जन आते हैं, इसका आप सब्सक्रिप्शन ले लें, तो ये इससे ही चेक करके आप कम्युनिकेट करें. ये रुकुंड और उसे ना करें तो अच्छा है. मैंने क्रॉस चेक किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ. जैसे रुकुंड से करा था मैंने, तो फिर उसमें 9-10 आ रहा था. जब मैं ऑथेंटिकेट में देखा तो 28% आ रहा था, तो बहुत बड़ा अंतर था. तो हम कई बार सोचते हैं यार एकदम से रिजेक्ट कैसे हो गया, ये तो विद इन 10 ही था, है ना. तो आप किस सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं, कई बार कुछ चीजें वो मिस कर देता है. मे बी इट इज वीक सॉफ्टवेयर, मुझे नहीं पता, पर बहुत सारी चीजें मिस कर देता है. अच्छा, टर्निटिन ऑथेंटिकेट की बात चली है, मैं एक और, ये एक ही सिक्के के दो पहलू आप समझ लो, ये एक ही है. मतलब टर्निटिन का ही एक सब यूनिट जैसा समझ लो ऑथेंटिकेट, मतलब एक मोटा मोटा. टर्निटिन का इस्तेमाल जब शुरू हुआ था, वो ऐसा हुआ था कि जो टीचर्स होते थे अपने बच्चों, मतलब स्कॉलर्स के जो असाइनमेंट्स को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, कि कुछ प्लेजरिज्म तो नहीं है, कहीं से कॉपी वॉपी तो नहीं कर लिया. जब इसकी शुरुआत हुई थी वो इस तरीके से हुई थी, टर्निटिन की जो असाइनमेंट्स होते हैं बच्चों के या डॉक्यूमेंट्स, उनका उनको चेक करने के लिए कि कोई चोरी तो नहीं किया कुछ भी है. बाद में जाके धीरे धीरे ये आर्टिकल्स और इन सब चीजों में आने लगी इन चीजें, और ऑथेंटिकेट फिर डेवलप हुआ, है ना. तो ये एक तरीके से एक ही तरीके से काम करते हैं टर्निटिन ऑथेंटिकेट. तो फिगर्स की भी चोरी पकड़ ली जाती है ना. अगर कलर परसों जैसे भी रहेगा तो मैं एक बार बता दूंगा स्कॉलर्स को कि अगर कोई इमेज भी हमारे पास है, तो इवन जो सुपरवाइजर भी है, तो इमेज बच्चे ने डाल रखी है तो उसको भी कैसे चेक कर लेना है कि गूगल में तो नहीं है कहीं पड़ी हुई, उसने वहीं से उठा के चिपका दी है ना. तो वो भी चेक हो जाता है गूगल से, बहुत गूगल देवता सब जानते हैं. तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको टर्निटिन में ही जाना पड़ेगा. तो ये टर्निटिन है, ऑथेंटिकेट है, और कौन हम सब जानते हैं. ड्रिल बिट अभी भी आया है जो यूजीसी की तरफ से, कि सभी यूनिवर्सिटीज में इसी को फॉलो करना है थीसिस सबमिशन के समय ना. अभी ड्रिल बिट से ही आपका चेक होगा मेरे ख्याल से. फिर उसके बाद ये देर आर अदर सॉफ्टवेयर ऑल्सो, पर ये सबसे ज्यादा टर्निटिन और ऑथेंटिकेट ही यूज होता है. तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी अथॉरिटीज से कि आपको कम से कम एक कॉमन एक्सेस प्रोवाइड करा दिया जाए इंस्टीट्यूट लेवल पे, जिससे आप जिससे सुपरवाइजर्स कम से कम अपने लेवल पे चेक कर सके, है ना. बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, आपको परमिशन दे दी जाती है. एक प्रोफेसर को कई बार दे दिया जाएगा कि उसमें एक्सेस दे दिया जाएगा कि 10,000 पेपर तक आप चेक कर सकते हैं उसमें, उसमें रहता है ऑथेंटिकेट में जो एक्सेस. डुप्लीकेट रिडंडेंट, ठीक है, हमने ये देख लिया. रेपो जाएगी मे बी, जैसे कुछ जर्नल्स के साथ हुआ था, एक्स वाई जेड जर्नल वो डीलिस्ट हो गए थे वेब ऑफ साइंस से. तो रेपुटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी जर्नल, तो ऐसी चीजें उनके लिए भी ठीक नहीं. डिस्टॉर्ट्स द पर्पस ऑफ पब्लिकेशन एज बीइंग द प्रेजेंटर, ठीक है. इट इन्फ्रिंजेस द इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो उसका एक तरीके से इन्फ्रिंजमेंट होता है इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉ का. साइमल्टेनियस सबमिशन, हम कई बार सोचते हैं कि ठीक है समय बचे हम काम करते हैं, चार चार जर्नल में एक साथ कम्युनिकेट कर देते हैं, तो जहां भी एक्सेप्ट होगा फिर वहीं पे कंटिन्यू करेंगे, बाकी जगह से हम विड्रॉ कर लेंगे पेपर. ऐसे शायद किसी ने सोचा हो मे बी, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं या सोचते हैं. ये भी बहुत ज्यादा अनएथिकल प्रैक्टिस है, इसके नुकसान है. ऐसा नहीं है इसमें कोई बहुत ऐसा अपराध हो गया और आपको पता नहीं नौकरी से निकाल दिया जाएगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. बट इट ऑल्सो इन्फ्रिंज और वायलेट द कॉपीराइट, जो उनके जो आपको कॉपीराइट जो आपने भरा है, जिसमें आपने अपने साइन किए हैं सबमिशन के दौरान या मे बी आफ्टर एक्सेप्टेंस, तो उसकी वायलेशन होती है यहाँ पे. इट लीड टू द वेस्ट ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक रिसोर्सेज, तो एडिटर खुद से पैसा नहीं कमा रहा है, वो साइंस को कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने स्पेयर टाइम में से वक्त निकाल के. तो रिव्यूअर भी है, रिव्यूअर का भी समय बर्बाद हो रहा है. जो एडिटोरियल प्रोसेस, तो जो जर्नल में अपना स्टाफ रखा है, क्लरिकल स्टाफ, उन सबको एंगेज किया जा रहा है उस सारी प्रोसेस में, और बाद में जाके आप 6 महीने बाद उसको विड्रॉ कर ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपने साइमल्टेनियस सबमिशन कर दी थी. वो एडिटर को नहीं पता, किसी को नहीं पता. तो ऐसे रिसोर्सेज का वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए. और एक चीज ऐसी रहती है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको रेड लिस्ट या फ्लैग कर दिया जाएगा, पर एडिटर एक फॉल्स ओपिनियन आपके बारे में बना लेता है. ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार किया, चलो कोई बात नहीं, मतलब उसका एक लॉजिकल आपने कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिया, नेक्स्ट टाइम भी आप करोगे तो एडिटर सोचेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला है, आदमी खतरनाक है, इसका पेपर नेक्स्ट टाइम तो मैं नहीं लूंगा. एक पर्सनल लेवल पे एडिटर फिर सोचता है कि नहीं है, मैं अवॉइड करूंगा इस ऑथर को. फैब्रिकेशन, वो अगर हम मेकिंग अप ऑफ डेटा, हम बैठे बैठे ही लैब में रिसर्च कर नहीं रहे हैं और हम कुछ भी बना दे रहे हैं डेटा फॉल्स, तो ये फैब्रिकेशन है. फैल्सिफिकेशन, मैनिपुलेशन कर रहे हैं हम
किसी भी चीज में, मे बी डेटा, मे बी अवर प्रोसेस, हमने प्रोसेस करनी थी, मैंने अभरक भस्म बनानी है मान लीजिए 15 पुट में, और मैं सिर्फ 4 पुट लगा के ही उसको कुछ भी करके, हाँ भाई वारी वारी तर हो गया, सब कुछ हो गया और निश्चंद्र हो गया, तो मैं उसको फिर आगे वो कर दूं, तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। मेरे को फोटो भी डालनी थी अपने पेपर में अभरक भस्म की, तो मैं अपने सीनियर का अभरक भस्म का फोटो भी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, या मेरे म्यूजियम में सैंपल पड़ा है ना अभरक भस्म का, तो मैं वही कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं आप ये सारे चीटिंग प्रैक्टिसेस। हाँ, सलामी स्लाइसिंग हमने देखा कि कन्वर्टिंग अ सिंगल मीनिंगफुल पेपर इंटू सेवरल डिफरेंट पेपर्स फ्रॉम द सेम स्टडी, तो ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बिकॉज यू कैन नॉट ब्रेक अप अ स्टडी इंटू पार्ट्स एंड प्रेजेंट, बिकॉज इट इज हार्मफुल टू द साइंस। कहीं ना कहीं ये जंक बढ़ाता है एकेडमिक पब्लिशिंग में बहुत ज्यादा। एक ही चीज के लिए जो रीडर्स हैं उनको भी यहां वहां भागना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चीजें बहुत ज्यादा इकट्ठा करनी पड़ेंगी। अरे इसने इस पर भी काम किया था तो उस जर्नल में था, वहां से ढूंढो, इसको लाओ, अननेसेसरली सेल्फ प्लेजरिज्म ही अराइज होगा। मान लीजिए मैंने 5 पेपर पब्लिश कर लिए जिसका एक ही पेपर होना चाहिए था, फिर जो 6वां पेपर भी होगा मैं 5ों पेपर को अपने सेल्फ साइटेशन करूंगा, जहां एक ही साइटेशन आनी चाहिए थी, तो एक तरीके से इन्फ्लेटेड साइटेशन आ जाएगी। तो 5 साइटेशन में करने के लिए ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेपर छापने की कोशिश करते हैं। इट इज अनफेयर वेस्ट ऑफ पीयर रिव्यूअर्स टाइम, इट इंक्रीजेस द ऑथर साइटेशन रिकॉर्ड, यस, इट इज अनएथिकल मीन ऑफ अचीविंग द करियर प्रोग्रेशन, तो इट इज बैड वेज टू कम आउट फ्रॉम दिस फ्रॉड। ओके, रिकॉर्डिंग करें अपने डेटा की, एक्सेसिबल, ओके, क्लैरिटी रखें, इफ एनी इमेज चेंज फॉर बेटर क्लैरिटी, इट हैज टू एक्सेप्ट, आपको डिक्लेरेशन देनी है। जैसे अभी बहुत सारे पब्लिशर क्या करते हैं, जब आपने फिगर डाली है उसमें, तो फिगर का जो लीजेंड होता है या कैप्शन जो आप देते हैं कि स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एंड दिस, ऊपर आपने फिगर चिपका दी अपनी, है ना, वो लीजेंड जो होता है आपका, तो उसमें एडिटर कहता है या रिव्यूअर कहता है कि उसमें आपको लीजेंड के साथ ब्रैकेट में एंड में दे देना है कि आपने इमेज का सोर्स क्या था, ठीक है, एंड वेदर यू हैव टेकन एनी परमिशन, आपने कुछ परमिशन ली है, उसका कोई प्रूफ है आपके पास, वो सब प्रूफ आप पेपर में तो नहीं लगाएंगे, वो अलग से अटैचमेंट में आपसे मांग लिए जाते हैं कई बार, तो आपको वहां मेंशन करना पड़ता है। अगर आपने खुद बनाया है तो प्रिपेयर्ड बाय सेल्फ या कुछ ऐसी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं उस फिगर के लीजेंड के साथ, ये चीजें रहती हैं। जैसे एक मैंने उदाहरण दिया था आपको, जैसे एक हम कुछ प्लांट मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, तो उसमें फाइटो कंपाउंड्स होंगे, पॉलीफिनोल्स, ग्लाइकोसाइड्स, कितना कुछ, तो उनमें से कुछ कुछ चीजों को आप डिस्कस भी करेंगे, कुछ प्रोमिनेंट फाइटो मॉलिक्यूल रहेगा, मे बी ग्लाइसराइजिन है मलेठी में, तो आप उसको स्ट्रक्चर भी बनाएंगे वहां पे, तो गूगल से उठा के नहीं चिपका देंगे, अरे सर वो तो अवेलेबल था, बहुत शार्प इमेज थी, बढ़िया था, उसमें कहीं छोटा छोटा हॉलमार्क जैसा भी नहीं था कि कॉपीराइट या कुछ ऐसा लिखा भी नहीं था, कहां पता लगेगा, नहीं आपको उसको कैमड्रॉ में डिजाइन करना है, डॉक्टर रुचि आपको बता देंगे स्कॉलर्स को कि कैसे कैमड्रॉ में, अगर आपके पास है कैमड्रॉ वो भी ना, हाँ, तो अगर आपने ऐसी इमेज डाली है वहां पे, स्ट्रक्चर है किसी चीज का या से, तो आपको उसके लीजन में बताना है इट इज ड्रॉन बाय कैमड्रॉ सॉफ्टवेयर वर्जन 8, जो भी उसका वो रहेगा, क्वालिटी देनी है हर किसी फिगर में, ये नहीं देखना पहले चल जाता था, अब ऐसा नहीं होता है हाईली रिप्यूटेड जर्नल्स में। पब्लिकेशन प्रोसेस, ओके, रिसर्च साइकिल, एडिटोरियल प्रोसेस, मोटा मोटा हम सभी जानते हैं, सबने सबमिशन किए हैं कि पॉलिसी रिव्यू हम करेंगे, किस जर्नल की क्या पॉलिसी है, क्या गाइडलाइंस हैं, मैनुस्क्रिप्ट सबमिट करेंगे, मैनुस्क्रिप्ट रिव्यू होगा, पीर इवैल्यूएशन होगा, फिर पब्लिकेशन का डिसीजन लिया जाएगा एडिटर के द्वारा, ठीक है। तो डिसीजन ऐसा होता है कि मिनिमम 2 रिव्यूअर से तो इवैल्यूएशन करवाया जाता है हमेशा, एक रिव्यू आर्टिकल का या ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल का, पर उसके पास एक राइट रहता है एडिटर के पास हमेशा, हो सकता है दोनों रिव्यूअर ने रिजेक्ट कर दिया, पर एडिटर को लगता है नहीं कुछ तो गड़बड़ है, पेपर तो अच्छा है और जो रिव्यूअर के कमेंट थे वो बहुत ही बेहुदा थे, उसको शायद हो सकता है सब्जेक्ट का उतना पता ही नहीं है, या मे बी वो रिव्यूअर हो सकता है कि उस आदमी को जानता हो, बायस हो सकता है। अब उसमें 2 पॉइंट आते हैं, या तो रिव्यूअर को पता होता है ऑथर के नाम का, कई सारे जर्नल्स अलाउ करते हैं नाम देख सकता है रिव्यूअर, कईयों में नहीं देख सकता है, पर अगर नहीं भी देख सकता है उसको पता है रिव्यूअर को ये जो काम है ना ये यही वाला शख्स करता है इस यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ, यानी कि ये तो मेरा विरोधी है, ठीक है, तो आउट ऑफ जेलसी हो सकता है वो ऐसे गंदे कमेंट करेगा वहां पे जबकि पेपर बहुत अच्छा होगा, तो एडिटर अगर कॉन्शियस है तो वो चेक जरूर करेगा, फिर वो थर्ड रिव्यूअर को इन्वाइट करेगा। जैसे जैसे जब मैंने बीएमसी में एक पेपर हैंडल किया था, तो उसमें क्या था कि एक रिव्यूअर ने रिजेक्ट किया, एक ने पीयर रिव्यू सेकंड राउंड ऑफ रिव्यू के बाद उसने एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है,
पर जो जिसने रिजेक्ट किया था उसने बड़ी मोटी मोटी कुछ स्टेटमेंट्स लिख दी थी पॉइंट वाइज, बिल्कुल हाईलाइटेड ना उसमें इन्वर्टेड कॉमास में ऐसे कुछ पॉइंट्स लिख के, तो मैंने फिर एक्सेप्टेंस दे दी थी उस पेपर को डायरेक्टली। फिर एडिटोरियल जो टेक्निकल असिस्टेंट थे उसके पब्लिशर के, उनका मुझे मेल आया, सर आपने एक्सेप्टेंस दी है मतलब ठीक है, मतलब वी आर नॉट क्वेश्चनिंग योर एक्सपर्टीज, मतलब वो एक हम्बल सा मेल रहता है उनका लिखा लिखाया, बट स्टिल वी वॉन्ट कि आप एक बार रिकंसिडर कर सकते हैं अपने, अगर हो सकता है कि गलती से हो गया या कुछ ऐसा है कि अगर आप इवेलुएट री इवेलुएशन चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप फाइनल हैं अपने डिसीजन के साथ तो काइंडली लेट मी नो। तो मैं उसको मेल कर दिया, भैया मैं फाइनल मेरा डिसीजन है, इट शुड बी रिजेक्टेड, इट शुड बी एक्सेप्टेड। क्यों एक्सेप्टेड? क्योंकि आई डू नॉट एग्री विद दिस पॉइंट जो रिव्यूअर ने दिया है। इफ स्टिल इफ द पब्लिशर वॉन्ट, मैं थर्ड रिव्यूअर को इन्वाइट कर सकता हूँ, बट दैट रिव्यूअर विल बी एनोनिमस टू मी। तो आपके जो पोर्टल पे जो लिस्ट ऑफ रिव्यूअर्स है, मे बी मैं उसमें से कुछ फेच कर लूं किसी का नाम, या उसमें ऑप्शंस होते हैं कि डेटाबेस अलग अलग स्कोपस, अगर मैं कोई रिव्यूअर स्कोपस से उठाना चाहूं तो मैं उस पर क्लिक करूंगा, तो सिमिलर सब्जेक्ट में मान लीजिए मैंने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का पेपर हैंडल कर रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर डोमेन के सारे एक्सपर्ट्स नाम मेरे पास आ जाएंगे। मैं आपको वो स्क्रीन नहीं दिखा सकता हूं, बट मैं आपको वैसे बताता हूं कि हाँ हमारे पास ऑप्शन कैसे रहते हैं। पहला ऑप्शन होगा सजेस्टेड रिव्यूअर्स का, जो ऑथर ने अपने पेपर सबमिशन के दौरान नाम दिए होते हैं कि ये तीन या चार रिव्यूअर हम सजेस्ट करते हैं, उनका ईमेल आईडी और वो सब, तो वो होगा। यूजुअली बड़े जर्नल्स में इसको ओवरलुक कर दिया जाता है। सेकंड पे देखो, अच्छा स्कोपस में नहीं यार, स्कोपस नहीं, मैं देखता हूँ कि इस जर्नल का कोई बड़ा एडिटर, उसी को मैं रिव्यूअर बना देता हूँ, एसोसिएट एडिटर में भी या एडिटोरियल बोर्ड मेंबर, तो मेरे पास ऑप्शन रहते हैं। तो उस तरीके से मैं किसी अनोनिमस को भी बना सकता हूँ। तो या फिर अगर मैं चाहूँ, आई एम बिजी, आई एम ट्रैवलिंग, तो मैं उनको टेक्निकल असिस्टेंट को उसको ये कहूंगा कि काइंडली इन्वाइट some two, three reviewers on my behalf as I am traveling. तो वो भी कई बार anonymous reviewer को जो similar domain के रहेंगे, ये एक inside वो रहता है मतलब process. Peer evaluation होगा और उसके बाद editor अपना decision लेगा, वो मालिक है, परमपिता है, वो जैसा कहेगा उसी हिसाब से आपके पेपर का डिसीजन होगा। उसके बाद manuscript की adjustment होंगी, मतलब checks होंगे, हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि नहीं मतलब acceptance आ चुका है आपके पेपर का, पर minor changes कोई बात में आपसे बार बार कहे जाएंगे करने के लिए। उसके बाद प्रूफ रीडिंग होगी, डिजाइन लेआउट और ये सब, हो सकता है लास्ट में आपसे बोला जाए कि ये जो फिगर है फिगर नंबर 5, इसका रेजोल्यूशन बहुत वीक है, आप दोबारा फिगर भेजिए। तो ऐसे थोड़े थोड़े जो है ये चेक्स रहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट और आर्टिकल में क्या डिफरेंस है, हमने देखा था। मैन्युस्क्रिप्ट वो है जो ड्राफ्ट है जो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। आर्टिकल वो चीज को हम कहते हैं जो पब्लिश हो चुका है, विच इज ओपन इन पब्लिक डोमेन। तो एक थोड़ा सा अंतर हम समझेंगे। हम कई बार मैन्युस्क्रिप्ट ही सबको कह देते हैं, आर्टिकल सर हम आर्टिकल इस स्टेज पे पहुंचा है तो आर्टिकल तो पब्लिश होने के बाद कहा जाएगा ना उसको। तो ये चीजें हैं। हाउ टू ऑनलाइन मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन सिस्टम वर्क, तो पहले सबसे पहले क्या आता है, आपका मैन्युस्क्रिप्ट फाइल आपको रेडी करनी है एज पर द गाइडलाइन। साथ में एक और आइटम लगती है, वो है कॉपी आपका कवर लेटर। कवर लेटर के साथ कुछ कुछ जर्नल्स में कॉपीराइट का फॉर्म भी होता है, वो कहते हैं कि आप उसको पीडीएफ को कन्वर्ट करके उसको भरो और उसको अपने साइन वगैरह डाल दो, सभी ऑथर के साइन डाल दो। कभी सिंगल ऑथर का भी चलता है उसमें लिखा जाता है, जैसे एक मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, ह्यूमन सेल एक जर्नल है स्प्रिंजर का, 4.0 कुछ 4. समथिंग इंपैक्ट है उसका। उसमें जो हमें फॉर्म साथ में सबमिट करना पड़ता है, उसमें फर्स्ट ऑथर का ही साइन लगता है। डीडीआर ड्रग डेवलपमेंट रिसर्च एक जर्नल का, उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर का चलता है। और कई ऐसे रहते हैं जिसमें सभी ऑथर्स के साइन मांगे जाते हैं, तो आप उसका स्कैन ले सकते हैं और उसको उसका प्रिंट आउट निकालें, फिर सबके पास जाएं उसके कमरे में, तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप उसका स्कैन सिग्नेचर भी डाल सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट जो चेकलिस्ट है जर्नल की जो गाइडलाइन में है, उसको हम हमेशा केयरफुली फॉलो करेंगे। राइट एन इंप्रेसिव कवर लेटर, यस, क्योंकि सबसे पहले कवर लेटर ही बड़े जर्नल का एडिटर पढ़ता है, उसको लगेगा कि नहीं कुछ बात है इसमें, कुछ नोवेल्टी है, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है, तभी आगे वो उसको पढ़ेगा पेपर को, इवन एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ेगा। क्योंकि सबमिशंस कोई 5-6-10 नहीं होते हैं, सैकड़ों की संख्या में होते हैं, है ना। तो जो एक बहुत सीरियस एडिटर है वो हमेशा एक एक बार तो गो थ्रू करेगा ही करेगा कवर लेटर। तो कवर लेटर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मेक श्योर द एड्रेस टू एड्रेस द कवर लेटर टू द राइट, है ना, ठीक है। ब्रीफ समरी ऑफ योर वर्क, डू नॉट रिपीट द एब्स्ट्रैक्ट को ही कॉपी पेस्ट करके नहीं डाल देंगे हम कवर लेटर में, ये ध्यान देंगे हम। पुट द फाइंडिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, व्हाई दिस वर्क विल बी ऑफ इंटरेस्ट टू द जर्नल्स ऑडियंस, ये आपको देना है, ठीक है। इस जर्नल का ये स्कोप है, इस स्कोप में ये टाइप की ऑडियंस है, हमने ये काम किया है, इसमें ये नोवेल्टी है,
इसमें ये डिफरेंट है जो प्रीवियस वर्क से इसको अलग करता है. एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पब्लिश सून. जल्दी आ जाइए ऑनलाइन, इसलिए बहुत जरूरी है. तो ये कवर लेटर में आप इसकी इंपॉर्टेंस जो है मेंशन करते हैं. कवर लेटर के लास्ट में आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई है कि नहीं है, कोई कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट, तो ये सब चीजें आप सारी मेंशन करते हैं. ये एक एग्जांपल है, आदर्श चिकित्सा पत्र जैसे होता है, आदर्श कवर लेटर जैसा एक समझ सकते हैं आपकी. तो ऐसे लिखेंगे, डियर एडिटर, वी वुड लाइक टू सबमिट अवर, दिस इज फलाना फलाना मैन्युस्क्रिप्ट है हमारा, एंड किसी स्पेशल इशू में अगर आप भेज रहे हैं तो अंडर फॉर योर काइंड कंसिडरेशन फॉर दिस स्पेशल इशू, था ना. तो इस तरीके से आप स्पेशल इशू भी मेंशन कर देंगे. सो इन दिस मैन्युस्क्रिप्ट वी रिपोर्ट ऑन द फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द एक्स, वी शो दैट द प्रोटीन एक्स डू दिस एंड दिस. उसके बाद रिसेंटली मैन्युस्क्रिप्ट पहले भी एक काम हुआ था प्रोटीन एक्स पे, तो ZZ एट ऑल वॉज पब्लिश्ड इन द जर्नल वाई, शोइंग दैट द प्रोटीन एक्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज, बट अवर रिजल्ट डू नॉट सपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशन. सो देर इज सम कंट्रोवर्सी. तो हम उस कंट्रोवर्सी से निकलने के लिए, या जनता को या उसको साइंटिफिक फ्रेटर्निटी को निकालने के लिए, हमने ये एक्सपेरिमेंट करा है. दैट्स वाई अवर एक्सपेरिमेंट इज इंपॉर्टेंट, है ना. तो हम कुछ पुरानी गलतियों को सुधार रहे हैं, इसलिए भी हम पेपर भेज रहे हैं. तो ये इस तरीके से, वी बिलीव दैट अवर कंटेंट इज नोवल एंड विल बी ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट फॉर द रीडर्स ऑफ दिस एम्बो. एम्बो इज अ रेप्यूटेड जर्नल. तो इस तरीके से आप ये कवर लेटर को डिजाइन करेंगे. तो कुछ चेकलिस्ट रहती हैं, यही सब आइटम्स, आपकी मैन्युस्क्रिप्ट हो, अपने फॉर्मेटिंग में लैंग्वेज फ्लो एक बार देख लीजिए, जो एक्नॉलेजमेंट आपने दी है सही सलामत बढ़िया तरीके से रहे, आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, तो कोई भी ऐसा पेपर ना हो जिसमें राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का नाम ना हो, हमेशा रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट दे रही है तो ही, अगर आप काम भी कर रहे हैं, स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपका मॉरल राइट है कि आप जरूर इसको, मतलब ये आपकी ऑब्लिगेशन है. मैन्युस्क्रिप्ट स्ट्रक्चर, ग्राफिक्स, ऑथर इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कवर लेटर एंड कंप्लायंस विद ऑल द मेंशन गाइडलाइंस, रजिस्ट्रेशन, लॉगिंग. हाँ ठीक है, तो सबमिट कैसे करना है अब आपको, तो अगर आपका अकाउंट नहीं है उसमें तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन में आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह मांगी जाएंगी. ओके, आपका ईमेल आईडी डालेंगे इसमें, और सीट वगैरह का डिटेल है आपका, परमानेंट जो आपका, नॉट परमानेंट एड्रेस, इट्स नॉट मैंडेटरी, आपका जो ऑफिशियल एड्रेस है वो मांगा जाएगा. आपके इंटरेस्ट एरिया पूछे जाएंगे, आप किस विधा पे काम कर रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ओके, फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, आपको सब फिल करते करते लास्ट में रजिस्ट्रेशन. ओके, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है. उसके बाद जब पहली बार आप रजिस्ट्रेशन के बाद जाएंगे, फिर आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, सबमिट अ न्यू मैन्युस्क्रिप्ट, रिवाइज अ ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, तो समथिंग लेफ्ट साइड में या कहीं आपको ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड. तो इस तरीके से आपका लॉगिन का दिखता है, आप जानते हैं कोई अकाउंट नहीं है तो इस तरीके से आपका नाम, सरनेम, आपका ईमेल एड्रेस, है ना, आप पासवर्ड बनाएंगे अपना, है ना. तो इस तरीके से ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कैसे आप करते हैं. तो उसके बाद एंटरिंग मैन्युस्क्रिप्ट इन्फॉर्मेशन, आपका अकाउंट बन गया, मैन्युस्क्रिप्ट आप सबमिट करने वाले हैं, पहले आप टाइटल डालेंगे कॉपी पेस्ट करके, एफिलिएशंस कई बार मैनुअली डालनी पड़ती हैं, कवर लेटर को कई बार एज एनेक्स किया जाता है, ब्राउज करके उसको उसमें अटैच अपलोड किया जाएगा, या फिर कॉपी पेस्ट करके कवर लेटर का मैटर वहां पे डाला जाता है, कई बार अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं होता है ना, तो कवर लेटर इस तरीके से भी दिया जाएगा. सजेस्टेड और अपोज्ड रिव्यूअर्स, अपोज्ड रिव्यूअर्स मतलब मुझे पता है कि मैं इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये किस पीयर रिव्यूअर के पास जाएगा, जो इसी सब्जेक्ट पे काम करता है, ऐसा ही होता है. इफ आई एम वर्किंग ऑन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के किसी एक्सपर्ट के पास ही जाएगा, वो एडिटर के पोर्टल पे अपना आप ही उनके नाम आ जाते हैं. तो फिर जब मैं पेपर सबमिट करूंगा, मुझे पता है ये जो व्यक्ति है ये विरोधी है मेरा, तो मैं इसको अपोज रिव्यूअर कर दूंगा. यानी कि किसी के पास भी भेजो, पूरी दुनिया में इसके पास मत भेजो, तो वहां आपको जब ऑप्शन सजेस्टेड का आता है ना, तो अपोज्ड का भी आता है. हम नहीं भरते, मैंने आज तक नहीं भरा, पर आप चाहें कभी भर भी सकते हैं उसको, तो देखिए क्या होता है, मुझे नहीं पता. तो कि इनके पास नहीं जाना चाहिए पीयर रिव्यूअर के पास, ऐसा भी ऑप्शन रहता है. कीवर्ड्स ठीक है वो डाले जाते हैं, 5 से 6 सर पूछे जाते हैं. ऑथर्स कोई संख्या ऐसी निर्धारित नहीं है, जितने मर्जी हो. एब्स्ट्रैक्ट ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये भी स्टेटमेंट आपको पेस्ट करी जाएगी वहां पे. एट दिस स्टेज यू मस्ट आल्सो इन्फॉर्म द एडिटर ऑफ एनी रिलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट सबमिटेड. ओके ठीक है. हाँ, सबमिशन के दौरान ये भी पूछा जाएगा क्या आपने ये पेपर पहले कहीं और कम्युनिकेट किया था, तो आपको यस और नो पे जाना है. यस पे आप जाएंगे, फिर एक और ऑप्शन खुल जाएगा एकदम से समय, फिर पॉपअप होगा, अच्छा कहाँ किया था, फिर आप उसका डिटेल देंगे. क्या सेम जर्नल में हुआ था, इसी जर्नल में आपने भेजा था, ओके यस कर देंगे तो सामने पूछा जाएगा. ओके अब बताइए मैन्युस्क्रिप्ट आईडी क्या थी अगर आपने इसी जर्नल में पहले सबमिट किया था, और अगर आप रीसबमिशन कर रहे हैं तो आपने क्या क्या एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव किया है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्डर वन.
कोई आपका एक्सप्लेनेशन वहां पे पूछी जा सकती है। फ्रेश है मैनुस्क्रिप्ट तो उसके लिए नो नो करते जाएंगे। अपलोडिंग योर मैनुस्क्रिप्ट टू द सिस्टम नाउ इट इज टाइम टू ओके फिगर फाइल्स। ठीक है, फिगर्स फिगर्स कई बार मैनुस्क्रिप्ट की फाइल में भी आप रख सकते हैं। कई कई जर्नल्स अलग से भी मांगते हैं कि आप अलग से फिगर वन फिगर टू करके अपलोड करो एक एक फिगर को, ऐसा भी ऑप्शन रहता है। द मैनुस्क्रिप्ट विल नॉर्मली बी कन्वर्टेड टू, लास्ट में जाके जब आप सब पॉइंट्स को फिल कर देंगे तो एक लास्ट में आएगा क्रिएट अ पीडीएफ, तो पीडीएफ बनेगी। उस पीडीएफ को हम नहीं पढ़ते हैं, उसको जरूर से एक बार पढ़ लेना। कई बार क्या होता है, हमने वर्ड फाइल जैसी भी बनाई हो, कई बार हम किसी और सिस्टम पे बैठ के अपलोड कर रहे हैं तो वो कुछ वर्ड चिपक जाएंगे, कुछ हो जाएगा उसमें, है ना। तो आपने अगर जस्टिफाई किया है पैराग्राफ को वो कुछ अलग हो जाएगा। तो एक पीडीएफ को देख लें कि वो पीडीएफ ही रिव्यूअर देखेगा, तो किस खरा है वो वर्जन आपको दिखेगा उस पीडीएफ में। तो पीडीएफ एक बार जरूर देख लें, फिर उसके बाद आएगा ऑप्शन फाइनल अप्रूवल का, अप्रूवल हो जाएगा सबमिट, फिर उसके बाद सबमिशन कंप्लीट। प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ओके, अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मे बी कुछ, हाँ उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मांगी जाती है सबमिशन में ना। कई बार एडिटर एक पॉइंट एक कॉलम देता है आपको, अगर कुछ ऐसा है जो आप एडिटर को अलग से बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस पेपर के बारे में, कुछ ऐसा इशू है आप मतलब पेपर में मेंशन नहीं करना चाहते, आप एडिटर को अलग से बताना चाहते हैं, या मे बी अगर आपकी कुछ सप्लीमेंट्री फाइल्स हैं या कुछ और इश्यूज हैं तो आप उन इश्यूज को भी डिस्कस कर सकते हैं, वहां मेंशन कर सकते हैं। रिव्यूइंग एंड सबमिटिंग यू फाइनली यू मस्ट कैरेफुली रिव्यू द कन्वर्टेड पीडीएफ, ओके ओके वन, उसके बाद आप अप्रूव करके सबमिट कर दें। ठीक है, तो ये आपका सबमिशन प्रोसेस हो गया। उसके बाद पीयर रिव्यू प्रोसेस। पीयर रिव्यू इज एन प्रिंसिपल मैकेनिज्म फॉर द क्वालिटी चेक ऑफ द आर्टिकल्स, इट इंश्योर्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। पीयर रिव्यू प्रोसेस बहुत क्लीन फेयर होना चाहिए, मतलब अनबायस्ड होना चाहिए। रिव्यूड बाय 3 to 5 एक्सपर्ट्स, ठीक है, इट इज नॉट ए थंब रूल कि 3 से 5 ही एक्सपर्ट हो, मतलब 2 रिव्यूअर मिनिमम का रहता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपका सबमिशन का पूरा प्रोसेस है, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया पीयर रिव्यू प्रोसेस। ओके ओके, कई बार ऐसी भी वही एक रिव्यूअर ने एक्सेप्ट किया, एक ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब वो वाला इशू राइज होता है ना कि रिव्यूअर वन ने लिखा है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर फॉर द कम्युनिटी, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी 4 लाइनें लिख दी हैं ऊपर इसकी प्रेज में पेपर की कि नहीं बहुत बढ़िया पेपर है। रिव्यू टू ये बोलता है हाउएवर द पेपर प्रेजेंट नथिंग न्यू। अब एडिटर क्या करेगा वहां पे, एक बोलता है भाई गजब का पेपर है, एक बोलता है यार बिल्कुल बकवास पेपर है, तो वहां पे फिर अब एडिटर के मूड पे है कि वो क्या देखेगा क्या सोचेगा। थर्ड रिव्यूअर को इनवाइट करेगा, मे बी थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे भी जाएगा, क्योंकि उसको अब एक डाउट अराइज हो गया है कि नहीं इसमें मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का ओपिनियन ले लूं, तो अगर मान लो 4 में से 3 ने बोल दिया कि एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट, तो मेरे को इजी रहेगा डिसाइड करना। तो ये इस तरीके से है टाइप ऑफ, ठीक है, सिंगल ब्लाइंड होता है, डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू होता है, रिव्यू पता है नहीं पता है ना, तो उस हिसाब से ब्लाइंडिंग का वो है। रिव्यू कमेंट्स, ओके, कमेंट्स कैसे होने चाहिए, मतलब कैसे वो रहते हैं, बी क्रिटिकल बी कंस्ट्रक्टिव मीट द डेडलाइंस मेंटेन द एनोनिमिटी अवॉइड एनी बायस। बहुत सारे जर्नल्स कई बार लिख ही देते हैं रिव्यूअर को, आप बताइए आपने जब एक्सेप्ट कर लिया है आप 7 दिन में सबमिट करेंगे, 10 दिन में करेंगे, कि आप 3 हफ्ते में करेंगे। जैसे MDPI पब्लिशर में जब अगर आप रिव्यू करते हैं तो आप रिव्यूअर से पूछा जाता है तो 0 to 7 days इतने से इतना, तो आप पहले से बता देते हैं। पर मतलब ये अलग अलग रहता है, पर आप अपने कमेंट्स में अगर आपको लगता है काम बहुत अच्छा है, मतलब आप भी कल को रिव्यू करेंगे या करते होंगे, तो काम कई बार बहुत बढ़िया होता है और आपको पता है कहीं ना कहीं कि ये जल्दी से जल्दी सोसाइटी के सामने आना चाहिए, तो पेपर थोड़ा वीकली लिखा गया है, मतलब मतलब लैंग्वेज थोड़ी वैसी है, ठीक है, फिर भी आप मौका जरूर दें। मतलब मेरा ये मानना है एकदम से आप रिजेक्शन के लिए ना जाए, एक रिव्यू एक रिवीजन करवाओ, सेकंड रिवीजन करवाओ, नहीं कुछ होता फिर रिजेक्शन दो। तो आपको कंस्ट्रक्टिव रहना है, पेपर को इंप्रूव करने में हेल्प करता है एक रिव्यूअर, तो वो उस तरीके से चलना चाहिए। तो रिव्यूअर का ये है, ठीक है, रिव्यूअर कमेंट्स के जवाब हमने कैसे देने हैं, तो जवाब बिल्कुल शालीनता से हम्बल होके देने हैं। ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूं और जिसने रिव्यू करा मुझे पता लग जाएगा कि यार ये तो रिव्यूअर कुछ नहीं जानता है, मैं ज्यादा जानता हूं, तो आप ऐसे नहीं, अरे नहीं 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 ये बिल्कुल सही है, मैंने जो लिखा है बिल्कुल सही है, तो ऐसे करके ऐसे नहीं, वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, थोड़ा हम्बली जाएंगे, है ना, थैंक यू सो मच फॉर योर कंस्ट्रक्टिव सजेशन एंड थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट दिस एरर, आई मिस्ड आउट दिस पॉइंट, है ना, तो वी हैव नाउ इम्प्रूव्ड इट। कई बार रिव्यूअर हमेशा सही हो जरूरी नहीं है ना, तो कई बार पेपर पब्लिश करना है तो कुछ कुछ बातों से सहमत होना भी पड़ता है, तो वहां पे आप मतलब ब्लंट नहीं हो जाएंगे, इट शुड बी वेरी सॉफ्ट, रिस्पॉन्ड कंप्लीटली, आपको उस बात को बिल्कुल
उसमें चार पॉइंट दे रही है कमेंट में, तो आपको हर एक पॉइंट को बहुत सिंसियरली आपको एड्रेस करना है, रिस्पॉन्ड पोलाइटली एंड विद एविडेंस. हर चीज का फैक्ट दिखाएंगे वहां पे, कुछ प्रूफ देंगे. हर चीज को आप पेपर में नहीं मेंशन करेंगे ना, तो कुछ चीजें आप रिव्यूअर रिस्पॉन्स में भी दे सकते हैं. तो ओपन एक्सेस रहते हैं, क्लोज एक्सेस रहते हैं जर्नल्स, ये हमें पता है. ग्रीन और गोल्ड ओपन एक्सेस का थोड़ा सा बता देता हूँ, ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज रहेगी. ओपन एक्सेस भी कॉमनली हमारे दो टाइप के हैं, ग्रीन और गोल्ड. ग्रीन वाला कई बार आपने देखा होगा, कुछ पेपर ऐसे रहते हैं कि ओपन एक्सेस आ गए पर वो ना एक्सेप्टेड वर्जन दिखता है वहां पे, फाइल जब आप डाउनलोड करते हैं. कभी देखा किसी ने कि वो लगता तो कुछ एक वर्ड फाइल जैसा ही वर्जन डाउनलोड होता है, जैसे ना जो अभी अभी एक्सेप्ट हुए हैं पेपर्स. कभी किसी ने ऑब्जर्व किया ऐसा? नहीं किया. एल्सेवियर में कभी जाना, हेड ऑफ प्रिंट, उसमें एक सेक्शन रहता है ना, करंट इशू, हेड ऑफ प्रिंट या रिसेंटली एक्सेप्टेड, कुछ ऐसा रहेगा. तो जर्नल कई बार अलाउ करते हैं कि तुरंत वो वर्जन जो है ऑनलाइन आ जाए. फिर उसके बाद रहता है इम्बार्गो पीरियड. एक इम्बार्गो करके पीरियड दिया जाता है कि हाँ इतने इतने समय तक ये ऑनलाइन नहीं रहेगा, पर ये जो 9 महीने का पीरियड है ना इम्बार्गो, उसके बाद ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा ओपन एक्सेस. शुरुआत में नहीं रहेगा, बाद में ये ओपन एक्सेस हो जाएगा. ठीक है, जैसे आप पेटेंट कराते हैं, पेटेंट का राइट 20 साल तक है, पर 21वें साल से वो जनता के लिए ओपन है वो पेटेंट. वो कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी ना. तो कुछ कुछ आप ऐसे समझिए बात को. तो गोल्ड और ओपन एक्सेस में फ्री एक्सेस फाइनल पब्लिश्ड आर्टिकल. जो गोल्ड ओपन एक्सेस है उसमें एकदम से जो आपका फाइनल वर्जन जिसमें लोगो वोगो लगे हैं पूरा बढ़िया सा, जो फाइनल जो छपता है पेपर, वैसा करके ही वो ऑनलाइन दिखेगा एकदम से. नो इम्बार्गो पीरियड, उसमें कोई इम्बार्गो पीरियड करके नहीं रहेगा, वो डायरेक्टली ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. नो एपीसी इज पेएबल इन ग्रीन ओपन एक्सेस. गोल्ड ओपन एक्सेस में एन आर्टिकल पब्लिकेशन चार्ज इज यूजली एप्लीकेबल. ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे. एक में एपीसी देना है, एक में एपीसी नहीं देना है. फोर्थ पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट. द पब्लिशर और एफिलिएटेड सोसाइटी होल्ड्स द कॉपीराइट फॉर आर्टिकल्स इन ग्रीन ओपन एक्सेस. और गोल्ड ओपन एक्सेस में द ऑथर रिटेन्स द कॉपीराइट ऑफ आर्टिकल्स. ठीक है जी, गोल्ड ओपन एक्सेस में ऑथर के पास कॉपीराइट रहता है उस पेपर का, वो जैसे मर्जी रिप्रोड्यूस कर सकता है जो भी चीजें है इस तरीके से, क्योंकि उसने पे किया है ना गोल्ड ओपन एक्सेस के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट, तो उसके पास कॉपीराइट होल्ड करने का हक है. तो ठीक है, पेपर हमने कुछ बनाया होता है, वो सर ने कहा था ना प्रवीण सर ने कि वो 10 पेज का आर्टिकल था, वो 40 पेज का हो गया, पहुंचना था रोम और पहुंच गया चेक रिपब्लिक, तो ऐसी कुछ कहानी हो जाती है पेपर के साथ. तो ये चीजें हैं, मैनुस्क्रिप्ट बिफोर एंड आफ्टर पीयर रिव्यू, तो ये कुछ चीजें रहती हैं. सो ओके, ये जनरल रिजेक्शन किन कारणों से होता है ये भी हमने देखा था. पेपर रिजेक्ट हो गया, बड़े दुख की बात है, तो कैसे इसको डील करेंगे आप? रोना नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि हमारा बड़ा लंबा प्रोजेक्ट रहता है ना. देखिए होता है, इट इज हार्ट ब्रेकिंग फॉर दोज हु हैव वर्क्ड. मे बी किसी ने देखिए 5 साल में पीएचडी होती है, 8 साल में भी लोग पीएचडी करते हैं, इतना लंबा चौड़ा काम. वो ऐसा नहीं होता कि 8-8, 10-10 पेपर पब्लिश करते हैं. उनका होता है कि नेचर में एक पेपर आएगा मेरा, ठीक है, 6 साल के बाद, और वो सपना एक ही उसमें क्षण में टूट जाए तो बड़ा दुख होता है वहां पे. तो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है उन हायर लेवल के रिसर्च के लिए भी. तो वहां पे आपको केयरफुली शांत हो जाए, फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी पार्टी करें, थोड़ा आउटिंग करें, घूमो फिरो, उसके बाद शांति से नेक्स्ट डे आओ, उस एडिटर के कमेंट्स को पढ़ो केयरफुली, उसने क्या कहा है, अगर उसमें कुछ गुंजाइश है कि जो हम कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, लैंग्वेज का कुछ है या कुछ है, तो आप आपके जो सीनियर हैं, जो पीयर्स हैं, उनको एक बार दिखाओ उसको. उन्होंने कमेंट्स जरूर दिए होंगे रिजेक्शन के साथ, उन कमेंट्स को केयरफुली एड्रेस करने की कोशिश करो. अपने सुपरवाइजर के पास बैठो थोड़ी देर, ठीक है, जब उनके पास पे टाइम है, फिर उनसे पूछिए सर इसमें थोड़ी हेल्प करिए, फिर किसी के पास जाइए. तो ऐसा थोड़े दिन लगा के उसको पक्का से रिवाइज करो और नए जर्नल को टारगेट करो. ठीक है, तो ये मैंने इसलिए कहा, जब पेपर रिजेक्ट होता है हम सेम पेपर उठा के कहीं और भेज देते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. अरे ठीक है हमारा पेपर तो बढ़िया, कहीं और भेज देते हैं, कहीं और भेज देते हैं. नहीं, उसको आप इंप्रूव करके ही आप सबमिट करेंगे. ठीक है, तो सबमिशन के दौरान एक और ऑप्शन भी रहता है प्री प्रिंट का. प्री प्रिंट वर्जन भी कई बार पूछा जाता है ना कि आप ऑनलाइन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं. मैंने कभी नहीं दिया, मैं नहीं देता कभी भी, कि पीयर रिव्यू हुआ ही नहीं पहले पब्लिक डोमेन में, क्यों डालना, जस्ट नहीं देना चाहिए. मतलब ये आपके ऊपर है कि आप देना चाहें. ठीक है, प्रीडेटरी हम देख चुके. सो विद दिस आई एंड माय प्रेजेंटेशन. सो I invite Dr. Ruchi Sharma to showcase you how to use Mendeley for referencing. ठीक है, referencing क्या है, कैसे की जाती है? हाँ जी,
आप एक पॉइंट को लेके 10 प्रकार के ओपिनियन मार्केट में चल रहे हैं ना, आपने कुछ नया ओपिनियन दिया है उसमें, कुछ नई चीज ऐड करी है आपने बेस्ड ऑन प्रीवियस नोन कॉन्सेप्ट, आपने कुछ अननोन बातें बताई हैं वहां पे, ठीक है, वो रिडंडेंट थोड़ी हुआ पब्लिकेशन, है ना। रिडंडेंसी वो तो तब है ना कि आपने कुछ लिखा वही चीज को घुमा फिरा के, देयर इज नथिंग न्यू, है ना। और जो पुराना भी आप लिख रहे हैं ना, पुराना मतलब नहीं कि चार पेज में पुराना ही पुराना रिपीट करते जा रहे हैं, मेरे कहने का मतलब आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं ना उसमें, तो ओपिनियन आपका आइए प्लीज, तो पुरानी बात तो आप एक पैराग्राफ में मेंशन करोगे ना, उस पे थोड़ी पूरा पेपर आपका फोकस रहेगा, 10% से ज्यादा थोड़ी रहेगा वो भाग, तो रिडंडेंट पेपर थोड़ी हुआ वो, है ना। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं किसी ओल्ड कॉन्सेप्ट पे भी, तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप इनको दे दें। हाँ देखो, Good morning, everyone. Today I'm going to tell you how to do the referencing. सबको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इसी में आती है कि रेफरेंसिंग कैसे करनी है, और सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम जो सबको फेस होती है वो ये होता है कि एक बार हमने रेफरेंसिंग कर दिया और अभी दूसरे एक जर्नल में भेजा बट वहां पे पेपर रिजेक्ट हो गया, या फिर हमें पता लगा नहीं रेफरेंसिंग तो इस स्टाइल में करनी नहीं थी, हमें किसी और स्टाइल में करनी थी, तो हमें स्टार्टिंग से सारा रेफरेंसिंग बदलना पड़ता है अगर हम लोग मैनुअली करते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग मैनुअली 1-2-3 नंबरिंग कर लेते हैं और फिर अभी हमें दूसरे जर्नल में भेजना है या किसी ने हमें बताया कि नहीं इसका रेफरेंसिंग स्टाइल बदलना है, तो हमें स्टार्टिंग से मैनुअली सब कुछ करना पड़ता है। तो आज की प्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रेफरेंसिंग, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी में क्या डिफरेंस है, और कौन कौन से डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, और क्या क्या टूल्स हम ऑनलाइन यूज कर सकते हैं जिससे हमें बार बार रेफरेंसिंग ना करनी पड़े। वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली अगर हमें एक बार हमें एक रेफरेंसिंग स्टाइल में किया, अभी हमें बदलना है किसी और जर्नल के हिसाब से, या हमें अभी पता लगा जिस जर्नल में हम भेजने वाले वहां पे ये एक क्लिक से उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमें रिकमेंड करना चाहिए कि हम ऑनलाइन टूल्स यूज करके उससे रेफरेंसिंग करें। और बेसिकली जब हम थीसिस भी टाइप करते हैं तो वो इतना बड़ा थीसिस रहता है, हम लोग एक बार रेफरेंसिंग करते हैं, बीच में बाय चांस हमारे सुपरवाइजर ने बोला, किसी ने बोला एक पैराग्राफ भी ऐड कर दो, तो सबसे ज्यादा उसमें स्ट्रेस यही होता है कि अब तो इसका रेफरेंसिंग ऐड करना पड़ेगा, सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा ऊपर से नीचे।
तो ऑनलाइन टूल का यही इंपॉर्टेंस है कि अगर हम बीच में कुछ ऐड भी करेंगे तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ फेच कर लेगा. सबसे पहले रेफरेंसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी जैसे हमने किसी हमने एक सेंटेंस लिखा कि प्रमेय इस दोष से होता है, तो ये हमारा खुद का सेंटेंस तो नहीं है, ये हम तो नहीं बता रहे, ये किसी और ने बताया था जो कि हम अपने पेपर में लिख रहे हैं. तो उस वाले सेंटेंस में हमें हमेशा रेफरेंसिंग देनी है कि ये किसने बोला था. कभी कभी हम सोचते कि हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू चरक ये है, बट हमें एग्जैक्टली कौन सी बुक में कौन से पेज नंबर के साथ कौन से इशू में ये बात बोली गई थी पूरा मेंशन करना है. जैसे कि हमने कोई रिव्यू पेपर भी लिखा या हमने कोई रिसर्च पेपर भी लिखा, हमें हम हमेशा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते कि इसका प्रेफरेंस रेट इतना है, ये इतने ज्यादा लोगों में फैला हुआ. तो ये स्टडी तो हमने नहीं किया, बेशक वो पूरा पेपर रिसर्च का हमारा है, उसमें जो फाइंडिंग्स हमने ढूंढी वो हमारी है, बट ये जो सेंटेंस हम लिख रहे प्रेवरेंस रेट से रिलेटेड या भी उसका क्या सिविलिटी, ये हमारा खुद का ओपिनियन नहीं है, ये किसी और का ओपिनियन है. तो इसमें रेफरेंसिंग आएगा. और जो एक सर ने स्ट्रक्चर बताया है जैसे एक मैन्युस्क्रिप्ट का, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट आता है सबसे पहले, तो एब्स्ट्रैक्ट में भी कभी रेफरेंसिंग नहीं होती, हम जस्ट अपने पेपर का जिस्ट बता रहे हैं कि ये हमारे पेपर का जिस्ट है, तो उसमें कोई रेफरेंसिंग नहीं आएगी. उसके बाद स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम स्टार्टिंग से जो भूमिका बताते हैं कि इसका क्या रेफरेंस है, बेसिकली उसमें हम ये बताते हैं कि व्हाई वी आर कंडक्टिंग दिस स्टडी या इसका क्या बेसिस था हमारा स्टडी करने का, तो उसमें ऑफकोर्स हमारे रेफरेंसेस आएंगे कि कहां से क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, तो क्या प्रेवरेंस रेट वगैरह था उस डिजीज का, जैसे किसी डिजीज पे लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमारा रेफरेंसिंग होगा. उसके बाद आता है मेथोडोलॉजी सेक्शन, तो मेथोडोलॉजी में भी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सेम एक्सपेरिमेंट्स किसी और ने रन किए थे वो मेथोडोलॉजी यूज करते हो, जैसे हमने डायबिटीज पे काम किया या फिर न्यूरो पे काम किया, तो ऑलरेडी जो एक मॉडल डिवेलप था हमने वो लिया था किसी पुरानी स्टडी के हिसाब से, तो हम हमेशा उसको भी रेफरेंस करेंगे कि इसने इस टाइम पे ये मॉडल यूज किया था, हम उसको रेफरेंस लेते हुए ये यूज करें. तो मेथोडोलॉजी सेक्शन में रेफरेंसिंग इंक्लूड कर सकते हैं. देन कम रिजल्ट सेक्शन. रिजल्ट सेक्शन में हमारे कभी भी रेफरेंसेस नहीं आ सकते. क्यों? क्योंकि रिजल्ट क्या है, जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए उसका आउटपुट बता रहे हैं हम, तो उसमें कभी रेफरेंसिंग नहीं आएगा. देन आता डिस्कशन पार्ट. डिस्कशन में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो हमारे रिजल्ट्स आए वो पुरानी स्टडीज में कैसे सेम है, उनका क्या इंटरप्रिटेशन है, तो उसमें भी रेफरेंसिंग आएंगे क्योंकि हम पुरानी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ. देन कम्स अ कंक्लूजन पार्ट. तो कंक्लूजन भी हम अपनी स्टडी का बता रहे हैं कि हमें क्या मिला इस पूरे पेपर में, तो उसमें भी कोई रेफरेंसिंग नहीं आएगा. तो कौन कौन से सेक्शन मेजरली रेफरेंसिंग इंक्लूड करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, मेथोडोलॉजी एंड डिस्कशन पार्ट. रिजल्ट्स, कंक्लूजन और एब्स्ट्रैक्ट में कोई रेफरेंसिंग नहीं आएगी क्योंकि वो हमारा खुद का सोल है कि हमारी स्टडी में हमें क्या मिला. देन कम्स अ क्यों रेफरेंसिंग करना चाहिए हमको, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रेवलेंस रेट अगर हमने किसी का लिखा है तो हमें उस इंसान को भी क्रेडिबिलिटी देनी है जिसने वो जो सोर्स था उस आउटपुट का, एक तो उसको क्रेडिबिलिटी मिलेगी उस बात से और ये भी पता चलेगा कि ये काम है किसका ओरिजिनली. कल को कोई नहीं तो आप लिखेंगे कि इसका प्रेवलेंस रेट ये है, तो वो आपसे पूछेंगे कि ये स्टडी आपने किया था, नहीं ये स्टडी तो हमारा नहीं था, ये तो हमने कहीं और से लिया, तो हम उसको साइट करेंगे कि हाँ ये इस बंदे ने तब किया था. रेफरेंसेस तीन टाइप के हो सकते हैं, हम जो ऑनलाइन जर्नल पब्लिकेशन से उठाते हैं उनको साइट कर सकते हैं, बुक रेफरेंसेस को साइट कर सकते हैं, इंटरनेट सोर्सेस को साइट कर सकते हैं. इंटरनेट सोर्सेस में कभी भी ऐसा नहीं करना है हमको कि किसी ब्लॉग को साइट कर रहे हैं हम. इंटरनेट सोर्सेस का मतलब है जो गवर्नमेंट साइट्स है, जैसे जिनके एंड में gov.in लिखा रहता है, तो वो ऑफिशियल साइट्स होती है, उनको साइट कर सकते हैं हम इंटरनेट में. इंटरनेट में ऐसे नहीं कि किसी ब्लॉग में या जैसे लाइव आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें रहती है तो कुछ लोग उसको भी साइट कर लेते हैं, वैसी चीजें साइट नहीं करनी है हमें. रेफरेंसेस क्या क्या मेन चीजें इंक्लूड करते हैं, ऑथर का नेम, कब वो पब्लिकेशन हुआ था, टाइटल और क्या सोर्स है, मतलब कौन से जर्नल में वो पब्लिकेशन आया है. वो कभी भी उसकी होल स्टोरी नहीं बताता कि उसमें पूरा स्टडी क्या हुआ, जस्ट वो ये पार्ट कवर करता है, तो जिसको भी वो देखना हो वो जाके पूरा पेपर खोल के देख सकता है. अब मेजर प्रॉब्लम होती है, तीन चीजें हम लोग जनरली एक मैन्युस्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, रेफरेंसेस, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी. सबको मेजर डाउट उसमें भी होते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है. जैसे कि इस पिक्चर में तो बहुत क्लियरली साइटेशन और रेफरेंसेस के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं. जो हम मेन बॉडी लिखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट का, उसमें जहां बीच में वो लोकेट करते हैं हम कि ये इस सोर्स से लिया गया, उसको साइटेशन बोलते हैं. जैसे कभी कभी हम 1, 2, 3 नंबर डालते हैं, कभी ऑथर के नेम के साथ डेट डालते हैं, तो दैट इज द साइटेशन. जो उसका बिब्लियोग्राफी वाला पार्ट हम नीचे देते हैं, पूरा सोर्स कि इसका टाइटल का नाम क्या था,
उसका ऑथर का नाम क्या है, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, वॉल्यूम, इशू, जो एंड में सबसे एंड में रहता है उसको रेफरेंसेस बोलते हैं. और कभी कभी किस जैसे हम थीसिस में जनरली बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस को भी बोलते हैं, बट खाली अगर बिब्लियोग्राफी देने के लिए बोला है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको साइट नहीं करना है कहीं पे भी. जैसे हम कभी कभी बहुत सारी चीजें लिखते हैं लास्ट में बिब्लियोग्राफी में बहुत सारी बुक्स के नेम या सारे सोर्सेज मेंशन करते होते हैं, बट हम मेन बॉडी में उसको लोकेट नहीं करते पर्टिकुलर सेंटेंस को या पर्टिकुलर मतलब पैराग्राफ को, जस्ट लास्ट में एक लिस्ट दे देते बिब्लियोग्राफी के ये सारे सोर्सेस हमने यूज किए. खाली बिब्लियोग्राफी बोले तो वो करने, रेफरेंसिंग करने के लिए बोला है तो मेन बॉडी में साइट करने और नीचे उसका बिब्लियोग्राफी जैसा पूरा लिस्ट दे देना. तो बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ये उनका डिफरेंट डिफरेंट से मीनिंग बताया मैंने. डिफरेंट स्टाइल्स रहते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स रहते हैं, बट हम मेजरली जो 4-5 जनरली यूज में आते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आते हैं APA, अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल. तो ये बेसिकली सोशल साइंस या एजुकेशन बिजनेस से रिलेटेड जो पेपर्स होते हैं मोस्टली हमारे पेपर्स में APA वाला सोर्स यूज होता है. तो इसमें हमने देखा होगा बहुत सारे पेपर्स में बीच में ऑथर का लास्ट नेम लिखा होता है और ईयर लिखा होता है, जैसे शर्मा 2013, शर्मा 2014, और नीचे में अगर आप जाएंगे तो वो अल्फाबेटिकली सारे रेफरेंसेस दिए होते हैं, मतलब लास्ट नेम ऑफ द जो भी ऑथर है उसका लास्ट नेम, देन उसका इनिशियल नेम, कॉमा कॉमा करके जो भी सारे ऑथर्स के नेम है. अगर बहुत ज्यादा ऑथर्स है, 3 से ज्यादा ऑथर है तो ETL कर देते हैं. तो उसमें से जो ऊपर वो हम मेन बॉडी में साइटेशन करेंगे उसका ऑथर का नेम, बैक एंड में डेट. आगे हम देखेंगे एक पिक्चर में, जैसे कि यहाँ ये मेन बॉडी दिख रहा है उसका, जैसे चंदर ETL 2017, इसका मतलब ये कि उसका सरनेम चंदर था और बहुत सारे ऑथर थे, 2017 का पब्लिकेशन था. जब हम नीचे लिस्ट में जाएंगे तो उसमें सीरियल ऑर्डर में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वो अरेंज किए होंगे. अगर जैसे सपोज सेम सरनेम के 2-3 लोग हैं तो पहले 2015 वाला पेपर आएगा, फिर 16 वाला आएगा, फिर 17 वाला आएगा. सेकेंड इज MLA, ये भी जो सिमिलर टू APA सिस्टम है, बट इसमें ईयर की जगह जहां पर मेन बॉडी में साइटेशन है ईयर की जगह पेज नंबर रहता है बस. जैसे कि हम ये देख सकते हैं LRO 770, तो इसका मतलब ईयर नहीं है, इसका मतलब पेज नंबर है. बट ये मोस्टली साइंस वाले उसमें यूज नहीं होते, मतलब हमारे मेन कंटेक्स में नहीं आएगा ये, ह्यूमैनिटीज या इंग्लिश वाले जो पेपर्स होते हैं उसमें मोस्टली यूज होते हैं. हमारे में मोस्टली APA यूज होते हैं या फिर चिकागो यूज होता है. हमने देखा होगा एक कभी कभी रेफरेंस में सुपरस्क्रिप्ट में दिया होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर करके, तो वो चिकागो स्टाइल रहता है. जैसे कि आप इस पेपर में देख सकते हैं 26, 27 नंबर करके, और नीचे जो लिस्ट होगा रेफरेंसिंग का उसमें 1, 2, 3, 4, 5 करके नंबरिंग होगा. तो ऊपर 26 का मतलब होता है नीचे रेफरेंसिंग लिस्ट में से 26 नंबर पर वो पूरा सोर्स है उसका. वैंकूवर मोस्टली थीसिस में यूज करने के लिए बोला जाता है, तो वैंकूवर भी सिमिलर है, उसमें भी 1, 2, 3, 4 नंबर करके आते हैं और नीचे 1, 2, 3, 4 करके लिस्ट रहता है, बट उसमें जो सरनेम होते हैं वो फर्स्ट आते हैं और उसकी जो इनिशियल नेम्स होते हैं उसमें मतलब उसको फुल फॉर्म नहीं लिखना रहता, AN ऐसे करके छोड़ देते हैं उसमें. जैसे कि ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 करके, उसमें दूसरा वाला स्केयर वाले ब्रैकेट्स थे, इसमें सर्कुलर वाले ब्रैकेट्स हैं. वैसे तो अगर हम जो ऑनलाइन वाले आपसे सीखेंगे तो हमें ये मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐप ऑटोमेटिकली उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी. देन देयर कम द हार्डवेयर, ये भी मेडिसिन वाले साइंस में यूज किया जाता है. किसी किसी जर्नल की हम गाइडलाइंस में जब गाइडलाइंस खोलेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि इनको कौन से रेफरेंसिंग स्टाइल में चाहिए. मोस्टली सबका APA ही होता है, APA होगा या फिर चिकागो होगा, या मतलब या तो 1, 2, 3 नंबर में देखा रहेगा आप लोगों ने, या फिर उसका सरनेम आगे ईयर, बट अगर किसी ने और लिखा है तो हमें वो देखिए उस फॉर्म में चेंज करना है. इसमें भी उसका सरनेम, देन ईयर, उसका पूरा टाइटल और मेन जो सोर्स है उसमें उसका सरनेम, देन ईयर. तो ये कुछ टूल्स हैं, इसमें से हम लोग मैनुअली करना सीखेंगे. अगर सब लोगों के पास लैपटॉप है तो सब लोग लैपटॉप निकाल लीजिए, तो हम डाउनलोड करके कुछ रेफरेंसिंग करना सीख लेते, क्योंकि जब तक आप लोग करेंगे नहीं ऐसे वर्बली समझाने से नहीं समझ में आएगा. तो सबके पास लैपटॉप है? लैपटॉप नहीं है? हाँ, नेटवर्क इश्यू है, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं. स्टेप्स बताती जा रही हूँ मैं. हाँ ठीक है, नहीं तो जब नेट रहेगा तब कर लेंगे. या मैं एक बार इसमें अगर इसका नेट सोर्स ठीक है तो इसका नेट सोर्स ठीक है, मैं एक बार करके दिखा देती हूँ. आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट या फिर स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिएगा. बाकी सबको
डिफरेंस तो समझ में आ गया ना, रेफरेंस बिब्लियोग्राफी साइटेशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, और ऑटोमेटिकली जब हम ऑनलाइन करेंगे तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी वहां पे जर्नल्स के नेम भी आते हैं मेंडले में, कभी कभी हमें उसकी गाइडलाइन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर उसका जर्नल का नेम वहां पे आ रहा है, आप जिस जर्नल का नेम सेलेक्ट करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली उसको ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा। जैसे नेचर का तो ऑटोमेटिकली नेचर आता है वहां पे, लैंडसेट का भी आता है। जैसे हमें लैंडसेट में पेपर कम्युनिकेट करना है या नेचर में पेपर कम्युनिकेट करना है, तो वहां पे जाके साइटेशन स्टाइल को नेचर सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेचर के अकॉर्डिंगली उसको रेफरेंसिंग कर देगा। तो हमें ऑनलाइन हमेशा करना चाहिए ताकि हमें बार बार अगर हम डिफरेंट उसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें चेंज ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली एक बटन से हमारा सब कुछ कलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग गूगल में जाके मेनली रेफरेंस करके सर्च करेंगे तो वो टूल आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। इसमें डाउनलोड वाले में जाके हमें ये डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले। उसमें सबसे पहले हमें वो लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो हमें उसमें रजिस्टर करके लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा। डाउनलोड हो रहा है, एक हम लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं ना कि एक आर्टिकल बनाने के लिए, जैसे हमें रिव्यू आर्टिकल बनाना है तो हम पहले सारा उसको सर्च कर लेते हैं और एक मतलब अलग से फोल्डर में उसको सेव कर लेते हैं सारे आर्टिकल्स को। तो ये मेंटली की हेल्प से हम वो पीडीएफ जो हमने सेव किए हुए हैं उससे भी हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली वो सारे पीडीएफ, तो हमारे लिए साइटेशन करना और भी इजी हो जाएगा। तो जैसे अगर हमें कोई रिव्यू आर्टिकल बनाना है तो हम सारे आर्टिकल जो भी हमें कीवर्ड्स डाल लें एक ही बार बैठ के सारे सर्च कर लें और डिफरेंट उसके पीडीएफ बना लें और फिर बाद में उसको मेंडले में ऐड कर लें, और मेंडले में डायरेक्टली भी हम आर्टिकल्स ऐड कर सकते हैं। तो ये एक हमारा सेविंग वो भी होता है कि हमारे सारे आर्टिकल सेव करके रखते हैं, जो हमने पेपर डिजाइन करने उस पेपर के अलग अलग फोल्डर्स बना के हम सारे आर्टिकल इसमें सेव भी करके रख सकते हैं, ताकि कल को हमें वो पेपर फेच करने तो हम डायरेक्टली वहां से खोल सकते हैं वो पेपर। एक बार ये डाउनलोड हो जाएगा तो उसको खोल के फिर हमें इसमें लॉग इन करना। इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेंगे। रहते बट एंडनोट पेड रहते हैं तो मेनली ठीक रहते हैं क्योंकि उसमें कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री टू एक्सेस रहते हैं। सॉरी और उसका सब्सक्रिप्शन है ना सर? नहीं, और हम लोग तो मोस्टली मेनली यूज करते हैं क्योंकि ये इजी भी है यूज करने के लिए। इसमें आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा, मैं आपको साइन इन करके दिखाऊंगी या मैं डायरेक्टली अपने साइन इन कर लो सब कर लेंगे ना? और ईमेल वगैरह डालेंगे तो रजिस्ट्रेशन आएगा आपके ईमेल में, तो आप जस्ट उसको साइन इन कर लीजिएगा। ये सबका मतलब अगर आपने एक कंप्यूटर में अपने मेल खोल के सब सेव किया तो उससे ये है कि सेव ही रहेगा, आप किसी भी कंप्यूटर में अपने मेल आईडी और पासवर्ड डाल के खोलेंगे तो ऐसा नहीं कि लैपटॉप गया तो आपके सारे वो पीडीएफ वगैरह पे चले जाएंगे, वो कहीं पे भी खोल सकते हैं।
एक सेकेंड पास से ये मैंने मेंडले डेस्कटॉप डाउनलोड किया था. अब हमें मेंडले वेब और मेंडले वर्ड के लिए डाउनलोड करना है. तो ये जो डेस्कटॉप वाला डाउनलोड हुआ है इसमें टूल्स पे जाएंगे हम. तो इसमें हमें दो ऑप्शन दिखेंगे, इंस्टॉल मेंडले वेब इम्पोर्टर और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए. तो हमें दोनों डाउनलोड कर लेना है. यहां से गेट वेब इम्पोर्टर को क्योंकि एक हमारा क्रोम में रहना चाहिए. जब हमने कोई भी आर्टिकल खोल के जैसे हम सर्च कर रहे तो वहां पर हम उसको पिन इन कर लेंगे. तो वहां से हम डायरेक्टली मेंडले में ऐड करते जाएंगे. जैसे हम स्क्रॉल कर रहे आर्टिकल हमें लगा नहीं ये हमारी स्टडी से रेलिवेंट है तो हम वहीं पे क्रोम में ही डायरेक्टली उसको मेंडले वाले वेब में डाल देंगे. और फिर जब हम वर्ड फाइल खोलेंगे तो मेंडले का वर्ड फाइल वाला खोल के वहां से हम डायरेक्टली उस वर्ड फाइल में साइट करते जाएंगे. मैं एक बार करके दिखाती हूँ. सबसे पहले हम इन एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेते हैं. एक बार डाउनलोड हो गया फिर उसका एड एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा. वो डाउनलोड हो गए फिर हाँ ये यहाँ पे शो हो गया. अब हमारे क्रोम में ये आ जाएगा डायरेक्टली. यहां से हम इसको पिन इन कर लेंगे. शो पेपर हमें शो होगा. अब आज के बाद हम कोई भी आर्टिकल सर्च करेंगे तो हमें मेनली यहां से शो होगा. मैं एक ही करके दिखा दू. पहले मैं ये वर्ड वाला भी डाउनलोड कर देती हूँ. अब तो इसमें जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डाउनलोड करना है. तो मेनली में बेसिकली तीन चीजें डाउनलोड हुई, एक डेस्कटॉप का हुआ, एक वेब का हुआ और एक हमारी वर्ड फाइल के लिए हुआ. तो इसको हम करेंगे ओपनिंग वर्ड.
अब ये डाउनलोड हो गया, अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली वर्ड फाइल खोलेंगे अपने डेस्कटॉप का। कोई भी प्लेन वर्ड फाइल खोल लेंगे। इसमें जाएंगे हम रेफरेंसेस पे, सॉरी पहले इंसर्ट में जाके हमें एड इन करना है इसको। तो इसमें आप माय एड इन्स में सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मेन्यू आ जाएगा। हाँ, इसको सिलेक्ट करके ऐड कर लेंगे तो ये मेन्यू साइट यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा हमारे कंप्यूटर्स में। ठीक है, अब मैं करके दिखाती हूँ कि कैसे करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम से जाके अपने मेन्यू में वो ऐड करेंगे कोई भी आर्टिकल। तो ये जैसे हमने सर्च किया, जैसे मेरा टॉपिक अगर होगा बाई चांस डायबिटीज और किसी ड्रग पे, तो मैं सर्च करती हूँ डायबिटीज। अश्वगंधा के साथ मुझे देखने की कोई पेपर थे कि नहीं थे इसके, तो मैं वो दोनों कीवर्ड्स डालूंगी एंड बाउल के बीच में, तो वो सारे पेपर्स खुल जाएंगे उसके जिसमें ये दोनों चीजें इंक्लूडेड होंगी। तो जैसे सपोज मुझे ये पेपर अपने उसमें साइट करना है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ये पेपर को ओपन करूंगी। हाँ, एक चीज और, हमने जिस पे ब्राउजर ने इसको ऐड किया है ना, कि उसी में होगा। जैसे हमने तब इस वाले ब्राउजर में ओपन किया था तो क्रोम में वो सेव नहीं हुआ है, वो इसी वाले ब्राउजर में मेनली शो होगा। तो अगर हमें क्रोम से खोलना है तो क्रोम पे जाके मेनली करके सर्च करेंगे मेनली फॉर वेब, तो वो आ जाएगा उसमें। तो मैंने इस ब्राउजर में किया तो मैं इस ब्राउजर से सर्च करती हूँ, वही सेम कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे। हाँ, जैसे मुझे ये पेपर करना था, पर ये पेपर खुल गया और मैं यहाँ पे मेनली जो यहाँ पे शो है उसको क्लिक करूंगी। ये भी साइन इन मांगेगा दोबारा से, उसमें आईडी और पासवर्ड वही सेम वाला डालना है जो हमने पहले डाला था। के बाद यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स दिखेंगे हमें, बट हमें देख लेना कि जो टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है तो वो वाला टाइटल कौन सा है, क्योंकि उसी सिमिलर जितने भी होंगे वो बहुत सारे ऑप्शंस देगा हमें। तो हमें इसमें ये फर्स्ट वाला जो ऑलरेडी वो टिक बता रहे हैं वही वाला सेम टाइटल है, तो हम इसमें क्या करेंगे, टिक प्रेस करेंगे। अगर हमें चाहिए कि हम और डिफरेंट लाइब्रेरीज बनाए अपने मेन्यू में अपने अलग अलग स्टडीज रिलेटेड, जैसे मेरी दो तीन स्टडी है तो मैं दो तीन वहां पे डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बनाना चाहती हूँ, तो मैं जाके उसमें डिफरेंट फोल्डर्स भी बना सकती हूँ। बट अगर मुझे कि मेन लाइब्रेरी में रहने भी सारे एक ही काम है मेरा, एक ही लाइब्रेरी, तो मैं डायरेक्टली नई लाइब्रेरी सर्च करके मतलब यहाँ से ऑप्शन आते हैं। जैसे मेरे चार पे काम था तो मेरे डिफरेंट चार फोल्डर्स शो होते हैं जो मैंने मेन लाइब्रेरी में बनाए। बट अगर मुझे नहीं चाहिए मैं किसी फोल्डर में डालू, मैं डायरेक्टली नई लाइब्रेरी में डालू, तो नई लाइब्रेरी क्लिक करके उसमें यहाँ जो ऐड का ऑप्शन आ रहा है ये ऐड क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे मेन लाइब्रेरी के डेस्कटॉप में वो चला जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको अपने सेव करना है, जैसे कि मेरी वर्ड फाइल थी, अभी हमारे मेन्यू में ऑटोमेटिकली सेव हो गया, उसका पीडीएफ उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें सेव हो जाएगी। अब मैं जब भी अपना पेपर लिखूंगी और मुझे चाहिए कि मुझे यहाँ पे साइट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मेन्यू साइट पर जाऊंगी यहाँ से,
जो वर्क फाइल में, इसमें भी यहाँ पे भी लॉग इन करना होगा हमें। जितने भी रेफरेंसेस मेरी लाइब्रेरी में है वो सारे रेफरेंसेस मुझे वहां पे शो हो जाएंगे। इसे जितने भी ये मेरे सारे लाइब्रेरी में है सेव, सारे जितने भी मेरे लाइब्रेरी में सेव है मुझे शो हो रहे हैं। तो या तो मैं मैन्युअली इसको स्क्रॉल ऑन करके देख लूं कि कौन सा वाला आर्टिकल है, या तो फिर अगर अभी जस्ट जैसे खुला ही हुआ तो मैं उसका टाइटल यहां से कॉपी करके मुझे मतलब सर्च करने में ईजी पड़ेगा। इतना वर्ड सर्च करके भी डालूंगी तो वो कॉल कर लेगा। यहाँ पे सर्च वाले में डालूंगी तो जितने पेपर्स मेरे इसमें थे वो आ गए। तो जैसे मुझे अगर ये पेपर सपोज सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो मैं इसको टिक करूंगी और इंसर्ट वन साइटेशन कर लूंगी, तो ये यहाँ पे सेव हो गया ऑटोमेटिकली यहाँ पे। अब मुझे नीचे का बिब्लियोग्राफी पार्ट भी चाहिए। अब मैंने मेन कंटेंट लिख दिया ऊपर 1-2-3 नंबर पे, या जहां जहां पर मैं लोकेट करना था कर दिया। अब मुझे चाहिए कि वो नीचे रेफरेंसिंग वाला लिस्ट आ जाए, तो जो मैं एक बार जैसे इंसर्ट करूंगी मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक बार मुझे इंसर्ट करनी पड़ेगी वो लिस्ट। रेफरेंसेस टाइप करके यहां पर जाएंगे हम, ये वाले बटन को प्रेस करेंगे, इसमें करेंगे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी कंटिन्यू, वो अपने आप लिस्ट आ जाएगी। अब जब ऊपर हम और भी आर्टिकल ऐड करते जाएंगे तो नीचे अपने आप ऑटोमेटिकली लिस्ट बनाता जाएगा, हमें दोबारा दोबारा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं करके दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने और चीजें लिखी, अब मैंने यहाँ पे कोई और पेपर साइट किया, जैसे ये वाला पेपर मैंने साइट कर दिया यहाँ पर, इसको क्लिक करके इंसर्ट साइटेशन, तो ये ऊपर हो गया। अब नीचे की लिस्ट में हम देखेंगे ऑटोमेटिकली इसमें नीचे की लिस्ट में उसने ऑटोमेटिकली अरेंज आउट कर दिए। अब हमें चाहिए कि हम इसका स्टाइल बदले, तो हम जाएंगे साइटेशन सेटिंग्स पे, वहां पे चेंज साइटेशन स्टाइल आता है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये APA था, अगर हमें चाहिए कि हम वैंक्यूवर में करते हैं, IEEE वाला भी 1-2-3-4 नंबर करके करते हैं, IEEE वाले को करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली होगा ना 1-2 नंबर और नीचे वो लिस्ट आ गई। हम बीच में कहीं पर भी कुछ भी ऐड करेंगे वो लिस्ट अपने आप नीचे की अपडेट होती जाएगी, हमें बार बार चेंज नहीं करना होगा। अगर हमें कोई रिमूव करना है तो हम यहां जाएंगे और इसको पूरा रिमूव करेंगे तो वो नीचे से लिस्ट से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली हम लोग उसका साइटेशन स्टाइल बदल सकते हैं, कुछ भी ऐड करेंगे वो फाइल अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। और जो हमारे मॉडल का एक बार मॉडल का डेस्कटॉप का वो भी बता देते हैं, इसमें भी वो ऑटोमेटिकली हमारे सेव रहेंगे। हमारा कंप्यूटर कलैप्स करे, कुछ भी हो, हम कहीं से भी वो खोल के अपने सारे आर्टिकल्स दोबारा से फेच कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग साइट करते हैं, बाद में वो पेपर ढूंढते हैं, वो पेपर मिलता ही नहीं है कि कहाँ चला गया, तो वो सारे पेपर्स हमारी लाइब्रेरी में सेव रहेंगे। हम चाहें तो ये कलेक्शन वाले में न्यू कलेक्शन पे जाके न्यू फोल्डर्स भी बना सकते हैं। जैसे मेरे 4 डेस्क पे काम है तो मेरी 4 डिफरेंट फोल्डर्स हमेशा रहते हैं, मुझे जो पेपर उससे रिलेटेड कभी भी मिलता है मैं डायरेक्टली इस मेनले में सेव कर देती हूँ, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें सेव रहेगा, मुझे कभी भी स्पेस नहीं हो सकती वो चीज, तो वो हमेशा के लिए इसमें सेव हो जाएगा। और इसमें अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेपर्स को मेनली फेच नहीं करता, कुछ अच्छे वाले जर्नल के पेपर नहीं होंगे तो, या बुक्स होंगी कुछ जो ऑनलाइन नहीं है तो वो मेनली फेच नहीं करेगा, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से एड न्यू पर जाएंगे, अगर हमने पीडीएफ सेव किया तो हम फाइल्स पर हम कंप्यूटर में जाएंगे और वो पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे, वो अपने आप फेच कर लेगा उसको। अगर हमें मैनुअली करना है तो वो मैनुअली भी कर सकते हैं इसमें, बट हमें रेफरेंसिंग मेनली से करनी चाहिए, इसमें भी मैनुअली से करेंगे। कुछ पेपर्स मतलब जैसे पीडीटी जर्नल्स के होते हैं तो मेनली फेच नहीं करेगा उसको, उसके टाइटल वगैरह हमें मैनुअली वहां पर सेव करने होंगे। जैसे उसका अगर कोई DOI नंबर है तो उसका DOI नंबर लिख देंगे, इसमें जाके हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम बुक को करेंगे किसको करेंगे, क्योंकि बुक भी नहीं आएंगी ऑनलाइन, तो बुक को सिलेक्ट करके यहाँ
बुक का टाइटल, उनके ऑथर्स के नाम, जो जो चीजें उन्होंने पूछी वो सब एंट्री डाल के आइडेंटिटी डालेंगे तो मेडले में सेफ हो जाएगा. क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, हमने बहुत सारी रेफरेंसेज ऑनलाइन लिए बट एक बुक का रेफरेंस है, तो उसको तो हम मैन्युअली नहीं करेंगे, उसको मैन्युअली हम मेडले में करेंगे और फिर वहां से मेडले से ऐड करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको फेच कर लेगा. बट ये कि वो उसका पीडीएफ इसमें सेव नहीं करेगा जैसे बाकी आर्टिकल्स का होगा, क्योंकि वो ऑनलाइन प्रेजेंट है. और अगर हमें पीडीएफ से करना है तो ऐड न्यू में जाके फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर, जिस भी फोल्डर में हमने वो सारे पीडीएफ डाले होंगे मैनुअली वो सिलेक्ट करके हमें मेनले में ऐड कर देना, फिर हम मेनले से रेफरेंसिंग कर सकते हैं. होपफुली सबको समझ में आ गया, एक बार सब लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं बाद में भी. थैंक यू. सबको आवाज आ गई होगी, सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक है, चाय आ गई है और 10 मिनट में वापस आ जाएं आप लोग. ठीक है, मुझे लगता है अपन लोग सब अधिकृत हैं 10 मिनट तक चाय पीने के, है ना. 15 मिनट तो लगते ही नहीं है, 10 मिनट में फ्री हो जाते हैं अपन. ठीक है,